स्क्रीन दिख रही है आप सबको? आवाज आ रही है? ओके यस मैम। okay. आयुषी जोशी, यस मैम। दलपत शाह के फादर का क्या नाम था? याद है? नहीं याद है तो वो बोलिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। नो मैम, नहीं याद आ रहा? रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग? बताओ, रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा बताइए। अभिषेक ठाकुर, यस मैम। बैटल ऑफ लखेरी किसके और किसके बीच में हुआ था? आपकी सैटरडे संडे क्लासेस नहीं थी तो आपको रिवाइज करना चाहिए था, क्योंकि मैं तो पूछूंगी। बताइए, दांगी, विवेक दांगी, वो मीटिंग रूम ही छोड़ के चले गए। श्रेयांश, यस मैम। तुकोजी राव होलकर जो वन थे उनके चार बेटों के नाम बताइए। मैम काशी राव होलकर, मलार राव होलकर टू, यशवंत राव होलकर वन, हाँ एंड विट्ठू जी राव होलकर। ठीक है। मोनिका, मोनिका, यस बैटल ऑफ उज्जैन किसके और किसके बीच में हुआ था? नहीं आता, याद नहीं है। चलिए मैम, याद नहीं आ रहा हूँ। ठीक है। खजुराहो को कौन से ईयर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था? ये तो रीसेंट है। नाइनटीन नहीं, एटी फाइव 86 87, 88, सब बोल दो। साक्षी मेहरा, विवेक यस मैम। खजुराहो को कौन से टू क्राइटेरियाज में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है? याद नहीं है तो तुरंत बोल दीजिए, याद नहीं है इतना टाइम नहीं आ है। रहा मैम, याद नहीं आ रहा। ठीक है, याद नहीं आ रहा तो वो एक अलग बात है ना। रानी दुर्गावती के किस किंगडम पे अटैक हुआ था? मैंने आपको बताया था
तो वो मुगल जनरल का क्या नाम था? पूजा जैन। यस मैम। जब रानी दुर्गावती के किंगडम पर अटैक हुआ था तो मुगल जनरल थे जो इसकी कमांडरशिप कर रहे थे, उनका नाम क्या था? याद नहीं आ रहा। मतलब अब इन शॉर्ट बात यह है कि आप लोगों ने जितनी भी डायनेस्टीज पढ़ी उनमें से आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो पढ़ने का क्या मतलब? अपने छोड़ दें पढ़ाना, यहीं पे ड्रॉप कर दें डायनेस्टीज को, कर लिया जितना करना था। सिर्फ एक या दो लोगों ने आंसर दिए हैं, बाकी को याद ही नहीं है, ऐसे चलेगा? बताइए। जब सैटरडे संडे क्लास नहीं थी तो कायदे से रिवाइज करना चाहिए था सारी डायनेस्टीज को, क्या किया फिर आप लोगों ने? और रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा, पीडीएफ का भी क्या फायदा, पढ़ाने का भी क्या फायदा? मैम। बोलिए। मैम मैं वापस नहीं जा रही, आवाज आवाज कट रही है मेरी, बाकी लोगों को yes, भी कट रही है आवाज? नो मैम। मिलिंद आप एग्जिट करके एक बार रिजॉइन कर लीजिए। हाँ मैम। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था बताइए, वो याद है या नहीं है? जल्दी बताइए। राव उदयजीत की आप बेटों की बात बता रहे थे। किसकी? हम राव उदोजी के बारे में बता रहे थे आप। उनकी फोर्थ जनरेशन। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, हमने वीर सिंह बुंदेला पढ़ा था सबसे लास्ट में, हमने वीर सिंह बुंदेला का पूरा देखा था कि कैसे उन्होंने फ्रेंडशिप करी थी प्रिंस सलीम के साथ और फिर कैसे वो ओरछा के थ्रोन पर बैठे थे, हमने उनका रूल भी देख लिया था। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है रुकिए दो मिनट। अब दिख रही है? यस मैम। हमने वीर सिंह देव बुंदेला को पूरा पढ़ लिया था कि कैसे उन्होंने ओरछा पर कब्जा किया, किस तरीके से उन्होंने रिबेल किया था, है ना, और कैसे उन्होंने फ्रेंडशिप करी थी जहांगीर से और
उन्होंने कैसे अबुल फजल का मर्डर कर दिया था, ये सब कुछ हमने देख लिया था, है ना। और उसके बाद हमने रूल ऑफ बीर सिंह देव बुंदेला भी देख लिया था, जिसमें कि ये सब कुछ था पूरा, कि कैसे वो कितने ग्रेट बिल्डर थे, उन्होंने कितनी सारी चीज़ें बिल्ड करी, क्या क्या किया क्या नहीं किया, ये सब कुछ हमने कल जो परसों हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे, आज हम पहले बुंदेलास का जो बिल्डिंग ट्रेडिशन रहा है हम उसको देखेंगे कि इन लोगों ने क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या किया हुआ है, ये पूरा हम देखेंगे। और फिर साथ में ही हम उसके आगे फिर पन्ना स्टेट अगर होता है तो हम वो स्टार्ट करेंगे। बीच में हम थोड़ा सा पन्ना स्टेट और ओरछा स्टेट हमको आज वैसे करना है, लेकिन बीच में अगर हुआ थोड़ा सा टाइम हुआ इन दोनों स्टेट्स को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा बुंदेला रिबेलियन देख लेंगे, क्योंकि बुंदेला रिबेलियन देखेंगे उसके बाद फिर उसमें कौन सी रियासत क्या रोल प्ले कर रही है वो हमारे लिए थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। आप ये समझिए कि आपने वीर सिंह देव बुंदेला देखा, तो बीर सिंह के बाद क्या होता है, जो बुंदेला हाउस रहता है ऑफ ओरछा, उसका आप ये बोल सकते हो कि एक तरीके से डिक्लाइन शुरू हो जाता है, डिक्लाइन उसका स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। किसके बाद, वीर सिंह देव के बाद से, क्योंकि उसके बाद उतने जितने मतलब इन्फ्लुएंशियल रूलर थे वो उतना वैसा कोई रूलर आता नहीं है। और फिर क्या होता है कि ये जो है पूरा जो अभी हम क्या देख रहे थे कि बुंदेला जो है वो पूरे बुंदेलखंड को रूल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे बुंदेला क्या है वो डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज में बट जाएगा, बुंदेलखंड जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज में बट जाएगा पूरा की पूरा, ठीक है। हमने छत्री ऑफ महाराज वीर सिंह भी देख ली थी, ये वीर सिंह मतलब वीर सिंह देव बुंदेला ही है, ठीक है। हमने इसके बाद ये भी देखा था कि राजा जुझार सिंह ने उनको सक्सीड किया था, वो उसके बाद वहां के राजा बने थे, हमने जुझार सिंह के बारे में भी जान लिया था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिक्लाइन ऑफ बुंदेलास एंड ओरछा, ठीक है। अब आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये वीर सिंह देव बुंदेला और जुझार सिंह के बाद ये सब जो आते हैं, सुजान सिंह हो गए, इंद्रमणि हो गए, यशवंत सिंह हो गए, उद्वत सिंह हो गए, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे सेकंड लाइन ऑफ बुंदेलास में, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे सेकंड लाइन ऑफ बुंदेलास में। मतलब ये फर्स्ट लाइन जो है ये वीर सिंह और तुझार सिंह के साथ ही ये कंप्लीट हो जाती है, जैसे हम मुगल्स और लेटर मुगल्स पढ़ते हैं ऐसे ही ये सेकंड लाइन ऑफ बुंदेलास स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर ये पूरे ओवरऑल बुंदेलखंड को रूल नहीं कर रहे होंगे। अब क्या होगी, ये ओरछा जो है ये केवल एक स्टेट बन गई है, ये ओरछा स्टेट बन गई है, रियासत टाइप की बन गई है यहाँ पे, अब इनका कंट्रोल जो है वो पूरे बुंदेलखंड पर नहीं है, ठीक है। The decline of Bundela House of Orchha started with the coming of Marathas to the North India. जब Marathas का आप बोल सकते हो कि बढ़ने लगा involvement Northern India में, तो धीरे धीरे क्या होगा कि Bundelas का जो आधिपत्य है, जो उनकी supremacy है, वो धीरे धीरे decline पर आएगी। इसमें basic blow कहाँ से आता है, जब महाराजा छत्रसाल जो रहते हैं वो अपना जो भी territory रहता है, क्योंकि छत्रसाल राज पहले capital पन्ना को बनाते हैं, लेकिन रूल मतलब मोर और लेस पूरे बुंदेलखंड पर करते ही रहते हैं, लेकिन जब वो वहां पे अपना कैपिटल बना लेते हैं और फिर जब वो मरते टाइम अपने टेरिटरीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, मराठास को एक्सपोजर मिल जाता है। और जब मराठास आएंगे यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में, तभी से आप समझेंगे कि बुंदेलास का जो डाउनफॉल है वो एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि झांसी का फोर्ट किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, वीर सिंह देव ने बनवाया था, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, देख के बोल दीजिए, ठीक है। फोर्ट ऑफ झांसी जो है वो वीर सिंह देव ने बनवाया था, और जब मुगल्स आते हैं तो फिर क्या होगा, सॉरी मराठास जब आते हैं तो फिर वो इस फोर्ट को कैप्चर कर लेंगे और ये भी ओरछा स्टेट से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब झांसी जो है वो कहाँ, किसके और किसके बीच में बना दी जाती है, अब झांसी स्टेट ऑफ झांसी, क्योंकि उस समय तो क्या था, जब वीर सिंह देव बुंदेला थे तब ये बुंदेलखंड ओवरऑल बुंदेलखंड पे रूल कर रहे थे, तो ऐसा कुछ था नहीं कि झांसी को अलग स्टेट की तरह देखा जाए, वो क्या था, वो था पार्ट ऑफ बुंदेलखंड,
लेकिन जब वो आए मराठास आए तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने झांसी को एक स्टेट की तरह लिया, उन्होंने वहां पे अपना राज करना शुरू किया और उन्होंने क्या किया कुछ टेरिटरी दतिया से ली और कुछ ओरछा से ली और वहां पे क्या किया झांसी का स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। अब ओरछा जो है वो बुंदेलास के पास है, अब जब इनके पास से इनकी टेरिटरी जाएगी तो बट ऑब्वियस ये है कि वो इनके पावर में कमी आएगी, क्योंकि उस टाइम पर टेरिटरी जो रहती थी अगर किसी का कंट्रोल है किसी टेरिटरी के ऊपर तो ऐसा माना जाता था कि वो पावरफुल है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ ओरछा लॉस्ट हाफ इट्स टेरिटरी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट टू द मराठा स्टेट ऑफ झांसी। अब किसी स्टेट की अगर आधी टेरिटरी चली जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि उसकी आधी पावर कम हो गई है ना, और डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया है। और झांसी का स्टेट कब तक एग्जिस्टेंस में रहा, 1857 मतलब जब रिवोल्ट हुआ था तब तक वो एग्जिस्टेंस में रहा। ठीक है, और ये जो झांसी का जो ये पूरा स्टेट है इसकी हम डायनेस्टी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्या है ये यूपी में आता है और हमें अभी क्या देखना है विद इन ज्योग्राफिक रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश देखना है। हमने बस ये यहाँ पे इतना देख लिया कि ये ओरछा और दतिया से टेरिटरीज लेकर ये बीच में झांसी का स्टेट बनाया गया था। किसने बनाया था, मराठास ने बनाया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ के जो आप बोल सकते हो कि मराठा वॉइसरॉय थे उस समय इस एरिया के, उनका नाम था नरोशंकर। उसके बाद फिर गोविंद पंत आते हैं और उन्हीं की जनरेशन की रानी लक्ष्मीबाई थी जो कि मतलब उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहलाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे झांसी की इतनी बात हमको जानना जरूरी थी बिकॉज बुंदेलखंड का ही पार्ट था झांसी, अभी भी है ज्योग्राफिकली, तो उसमें से वो स्टेट कैसे कार्व आउट हुआ वो हमने जान लिया। अब हम देख लेते हैं बिल्डिंग ट्रेडिशंस ऑफ बुंदेलाज, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए बिकॉज जैसे चंदेल्स थे वो उन्होंने बहुत कुछ सारी चीजें बिल्ड करी हुई थी, वैसे ही बुंदेल्स ने भी बहुत सारी चीजें बिल्ड करी हुई हैं। और उसमें भी अगर नाम आएगा एक वीर सिंह बुंदेला का, तो इन्होंने बहुत सारा मैसिव कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कैरी आउट करवाया हुआ है और उसका रीजन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी जो फ्रेंडशिप थी विथ मुगल एम्परर, उसका इन्होंने क्या लिया था, एडवांटेज लिया था। और उसका इस तरीके से एडवांटेज लिया था कि इन्होंने जितना ये कंस्ट्रक्शन वर्क करवा सकते थे उतना ही इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। और केवल ऐसा नहीं बुंदेलखंड में ही करवाया हो, बुंदेलखंड के आसपास के एरियाज में भी इन्होंने बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करवाया। ठीक है, सबसे हम पढ़ रहे हैं जहांगीर पैलेस। ठीक है, जहांगीर पैलेस का कंस्ट्रक्शन तो 16th century AD में ही स्टार्ट हो गया था, मतलब अराउंड 1500 वाली जो चीज चलती है उसमें लेट में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको कंप्लीट कब किया गया, 1606 के टाइम पर इसको कंप्लीट किया गया, जस्ट जब जहांगीर ओरछा आने वाले थे उनके अराइवल से पहले ही। किसने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, इसका कंस्ट्रक्शन वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, बट ऑब्वियस वीर सिंह बुंदेला को ओरछा के थ्रोन पर बिठाने वाले मुगल एम्परर जहांगीर ही थे, तो अब जब वो ओरछा आएंगे तो फिर उनके वेलकम में वीर सिंह बुंदेला कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए ही जब वो आने वाले थे उनके लिए ही इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, है ना। और इसका जो अपर पोर्शन है उसका डेकोरेशन 1618 AD के लगभग करवाया गया, है ना। इस पैलेस का नाम जहांगीर क्यों रखा गया बिकॉज एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, जो मुगल एम्परर हैं जहांगीर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा बताने के लिए इस जो पैलेस का नाम रखा गया वो जहांगीर पैलेस रखा गया। इनफैक्ट इसको बहुत से जगहों पे अगर आप देखेंगे तो जहांगीर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि जो वीर सिंह बुंदेला है वो जहांगीर को एज अ गॉड देख रहे हैं बिकॉज उन्होंने इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही उनको ओरछा की राजगद्दी दिलवाई। ठीक है, ये 3-story पैलेस है और इसमें मेन जो मटेरियल यूज हुआ है वो रेड एंड येलो सैंडस्टोन यूज हुआ है। ठीक है, और इसमें जो गेट्स हैं वो हिंडोला की तरह दिखते हैं, दूर से देखने में जो गेट्स हैं वो हिंडोला की तरह दिखते हैं, है ना। और इन्वर्टेड लोटस स्ट्रक्चर, मतलब कि जो बंद कमल का फूल रहता है उस टाइप का स्ट्रक्चर आपको इनके गेट्स पर मिल जाएगा, जो कि क्या दिखाता है, जो राजपूत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये उसको शो करता है। जब हम ऊपर के पोर्शन में देखते हैं तो वहां पे आपको क्या दिखेंगे, वहां पे आपको लोटस स्ट्रक्चर और छतरीस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ऑक्टागोनल एंड लोटस स्ट्रक्चर दिखेगा छतरीस पर, जो क्या बताता है, बुंदेला आर्किटेक्चर। अब इससे हमको क्या समझ में आया, ये यहाँ पे आपको इतना नहीं लिखना रहेगा, जब आपको अगर आता है जहांगीर पैलेस तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना रहेगा कि ये क्या है, ये सिंथेसिस है,
of Rajput and Bundela architecture. ठीक है, ये आपको लिखना रहेगा, ये आपके समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये राजपूत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो बुंदेला आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, लेकिन आपको ये क्या करना, आपको सिंपली क्या बताना है कि ये सिंथेसिस बताता है राजपूत और बुंदेला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, और इसमें जो इंटीरियर डेकोरेशन है वो कैसे किया गया है, वो पेंटिंग से किया गया है, और एक्सटीरियर डेकोरेशन जो है वो क्या बताता है, वो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर की सिंथेसिस बताता है. ये जो चीज ऊपर लिखी हुई है यही चीज यहाँ पर भी बताई गई है. और ये जो सिंथेसिस है, मतलब दो टाइप के आर्किटेक्चर्स को मिला के एक बिल्डिंग बनाना, मतलब उस एक ही बिल्डिंग में दो तरह के आर्किटेक्चर्स का एप्लीकेशन करना, ये क्या था, ये बहुत ही कॉमन था मिडिवल आर्किटेक्चर में. मतलब मिडिवल टाइम्स में ऐसा होता था कि आप देखेंगे कि दो टाइप की चीजों को एक बिल्डिंग में अप्लाई कर दिया जाता था. क्या जाना आपने जहांगीर पैलेस ओरछा के बारे में, सबसे पहले तो वीर सिंह देव बुंदेला जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था 16th सेंचुरी एडी में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 17th में कंप्लीट हुआ था. किसको डेडिकेटेड है ये, जहांगीर को डेडिकेटेड है. बिल्डिंग मटेरियल क्या है, रेड एंड येलो सैंडस्टोन इसका बिल्डिंग मटेरियल है. ठीक है, ये सिंथेसिस है राजपूत एंड बुंदेला आर्किटेक्चरल स्टाइल की. ठीक है, ये आपने जान लिया जहांगीर पैलेस के बारे में. एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कुछ भी हम पढ़ेंगे अभी ये सब किसमें आता है, ये आप ध्यान रखिएगा. दो सेकंड रुकिए, मैं आपको बता ही देती हूँ. हाँ, ये सब जो आता है, ये सब आता है किसमें, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में. मैंने आपको बताया था कि ओरछा फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन था वो किसने, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद जैसे जैसे उनके सक्सेसिव रूलर्स आते गए वो उसमें क्या करते गए, एडिशंस करते गए. और इसके आसपास बहुत सारे आपको एंशियंट मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, तो यही सब चीज इसी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारी बिल्डिंग्स जो अभी हम पढ़ेंगे वो क्या है, इसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, जिसमें जहांगीर महल जो है वो भी इसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स. देखिए सिर्फ फोर्ट नहीं लिखा है, कॉम्प्लेक्स लिखा है, मतलब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें होंगी. ठीक है, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स हाउसेज अ लार्ज नंबर ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ द फोर्ट पैलेसेस टेम्पल एंड अदर एडिफाइसेस इज लोकेटेड इन द ओरछा ऑफ मध्य प्रदेश. ओरछा जो अभी टाउन है मध्य प्रदेश का, उसमें ये ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसको आप देख सकते हो. ठीक है, ये सब, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है और इसके अंदर जो भी बिल्डिंग्स हैं ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, ये बुंदेला राजपूत जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी. अर्ली 16th सेंचुरी से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और फिर आप देखेंगे कि ये लगभग 18th-17th सेंचुरी तक इसमें एडिशंस होते रहते हैं. ये जो है ये एक आइलैंड पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है बेतवा रिवर और जामनी रिवर का, कहाँ पे, ओरछा में. और अभी का ये प्रेजेंट डे में निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये फॉल होता है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हम अभी जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें से जो मैक्सिमम रहेंगे वो क्या करेंगे, वो ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में फॉल करते हैं. हमने अभी क्या देखा, हमने देखा जहांगीर पैलेस ओरछा, हमने ये जाना कि इसका कंस्ट्रक्शन वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था, किसके ऑनर में करवाया था, मुगल एम्परर जहांगीर के ऑनर में करवाया था. कब करवाया था, 16th सेंचुरी एडी में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था. ठीक है, ये 3-story बिल्डिंग है, इसमें मेन जो मटेरियल यूज हुआ है वो रेड एंड येलो सैंडस्टोन यूज हुआ है. ये सिंथेसिस है राजपूत और बुंदेला आर्किटेक्चरल स्टाइल की. इसके बाद आता है दतिया पैलेस. दतिया पैलेस जो है वो क्या था, ब्रॉड प्लान, पार्ट ऑफ ब्रॉड प्लान था वीर सिंह देव बुंदेला. वीर सिंह देव बुंदेला ने कुछ ऐसा सोचा था कि मैं 52 फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा आसपास, तो उसमें से ही एक दतिया फोर्ट भी था. और ये कब बोला जाता है कि ये किस समय में बनाया गया है, ये 1620 के आसपास में बनाया गया है. ठीक है, इसको और भी कई नेम्स से जाना जाता है, किसको, दतिया पैलेस को. इसको सतखंडा महल भी बोलते हैं, नरसिंह महल भी बोलते हैं, दतिया राजमहल भी बोलते हैं, पुराना महल भी बोलते हैं और वीर सिंह का महल भी इसको बोला जाता है. किसको, दतिया पैलेस को. क्या ध्यान रखना है आपको कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, वीर सिंह देव ने करवाया था. कब करवाया था, 1620 में करवाया था, दतिया में करवाया था. और इसके दूसरे नाम जो है वो क्या है, सतखंडा महल है, नरसिंह महल है,
दतिया राजमहल है, पुराना महल है और बीर सिंह का पैलेस है। ये हो गया आपका दतिया पैलेस। इसके बाद आता है चतुर्भुज टेम्पल ओरछा। चतुर्भुज टेम्पल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज आप देख रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये उस टाइम का जो मतलब कंस्ट्रक्शन टेक्निक थी उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो महाराजा मधुकर शाह जो थे उन्होंने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। उनकी जो वाइफ थी महारानी गणेश कुमारी, वो चाहती क्या थी, वो ये चाहती थी कि लॉर्ड राम जो है उनकी एक स्टैचू जो है, आइडोल जो है, यहाँ पे इंस्टॉल करी जाए। लेकिन होता क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाता है ड्यू टू मुगल इन्वेजन, ठीक है। उस टाइम पे हमने देखा था कि जब मधुकर शाह जो रहते हैं वो बार बार रिवोल्ट कर देते हैं तो फिर उनका क्या हो जाता है, उनका बैटल हो जाता है किससे, इंपीरियल फोर्सेस से, है ना। और कई पार्ट जो है बुंदेलखंड का वो मतलब वेस्टर्न पार्ट में क्या रहता है कि वो हो जाता है, इन्वेजन हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि उसमें जो होरल देव रहते हैं, जो मधुकर शाह के ही एक बेटे रहते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इन सारे डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन जो रहता है वो हॉल्ट हो जाता है उस समय जब मधुकर शाह रहते हैं और महारानी गणेश कुमारी रहती हैं। तो उनको लगता है कि भाई मेरे को तो जो श्री राम है उनकी जो मूर्ति है वो स्थापित तो करनी ही है। तो इसीलिए वो, आपको ध्यान होगा कि वो क्या करती हैं कि वो अपने ही पैलेस में उस मूर्ति की क्या कर लेती हैं, स्थापना कर लेती हैं, जिसको राम राजा टेम्पल बोला जाता है। द क्वीन इंस्टॉल द आइडल इन हर ओन पैलेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मधुकर शाह के टाइम पर तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो रोक दिया गया है, लेकिन उसके बाद वापस से ये कंस्ट्रक्शन चालू होता है। और इसको कौन कंप्लीट करवाता है, महाराजा वीर सिंह देव जो है ये इसका सेकेंड फेज ऑफ टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन रहता है ये क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। ये जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इनॉर्मस टेम्पल ऑफ ओरछा बोला जा सकता है। ये एक हाई लेंथ पर बनाया गया है और इसके प्लान में आप देखेंगे कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको, तो इसमें आपको गर्भगृह भी मिलेगा, अंतराल भी मिलेगा, अर्थ मंडप भी मिलेगा, ठीक है। जो शिखर हैं इसके वो नागर स्टाइल में बने हुए हैं गर्भगृह के ऊपर, और उसके आसपास जो है छोटे छोटे सेल्स भी बने हुए हैं, ठीक है। और जो मंडप है वो डोम शेप्ड शिखर से उसका मतलब क्राउन किया गया है, उसको सजाया गया है, ठीक है। दी जो सेकंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है इस टेम्पल का, मतलब कि जो महाराजा वीर सिंह देव के टाइम पर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो कंस्ट्रक्शन किस चीज से किया गया है, वो ब्रिक्स से और लाइन से किया गया है, मतलब ईंट और चूना जो है उसको मिलाकर किया गया है। और ये क्या डिपिक्ट करता है, ये बताता है आर्किटेक्चरल परफेक्शन ऑफ बुंदेला स्टाइल। बिकॉज अब देखिए ये फोटो में ही कितना सुंदर लग रहा है, तो और देखिए इसमें शिखर भी जो है अलग अलग टाइप के हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नागर स्टाइल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोम शेप्ड है। तो इसमें भी आप समझ सकते हो कि इन्होंने मतलब उस टाइम पर कितने परफेक्शन से इसको बनाया होगा, इसलिए ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि इट इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल परफेक्शन ऑफ बुंदेला स्टाइल। क्या जाना हमने चतुर्भुज टेम्पल के बारे में, कि इट इज इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल वॉज स्टार्टेड बाई महाराजा मधुकर शाह इन 1574 AD, लेकिन होता क्या है कि बीच में डिस्टर्बेंसेज हो जाते हैं। महारानी गणेश कुमारी वॉन्टेड टू इंस्टॉल द आइडल ऑफ लॉर्ड रामा इन दिस टेम्पल, बट इट्स कंस्ट्रक्शन कुड नॉट बी कम्प्लीटेड ड्यू टू मुगल इन्वेजन ऑन वेस्टर्न बुंदेलखंड एंड द डेथ ऑफ प्रिंस होरल देव। बिकॉज जब वो बैटल होता है मुगल्स आर्मी के बीच में और मधुकर शाह के बीच में, जिसके बाद वो पार्डन ग्रांट करने की रिक्वेस्ट करते होते हैं जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि जो इनके एक बेटे रहते हैं होरल देव, उनकी हो जाती है डेथ। तो उसके बाद रानी क्या डिसाइड करती है कि हमारा जो महल है जिसमें हम रह रहे हैं, जो कि रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया होता है, उसी में वो क्या करेंगी, जो लॉर्ड राम है उनकी जो आइडोल है वो वहां पे वो इंस्टॉल करवा देंगी, ठीक है। अब वो जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक चुका है, उसके बाद जो सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो कौन कम्प्लीट करता है, वो महाराजा वीर सिंह देव कम्प्लीट करते हैं। कैसा है, ये नागर स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। और मंडप के ऊपर जो डोम है वो जो शिखर है वो कैसा है, डोम शेप्ड है, ठीक है। और ये बताता है कि बुंदेला आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा था उस टाइम का, उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसके बाद आती है कोठी ऑफ हिम्मा हमीर, इसको हम बोलते हैं दाऊ जी की कोठी, के पीछे तीन कोठियां भी हैं, ये ऐसा इसका नाम है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये ओरछा में है, ये भी अभी जो हम पढ़ रहे थे ये भी ओरछा में है, और जहांगीर पैलेस जो हमने पढ़ा वो भी ओरछा में है, केवल दतिया पैलेस जो हमने देखा वो दतिया में है। वैसे हम चाहते तो इसको दतिया रियासत जब करते हम तब भी कर सकते थे, लेकिन इसको फर्स्ट लाइन ऑफ बुंदेला रूलर किसने, वीर सिंह देव ने बनवाया है, तो इसको यहीं पर कंप्लीट कर लेना ज्यादा सही है।
अब देखिए कोठी ऑफ हिम्मा हमीद, ये जो कोठी है ये कहाँ पर है? एक कोठी ऑफ दाऊजी है, वो अभी आप आगे पढ़ोगे। दाऊजी की जो कोठी है उसके पीछे तीन और कोठियां बनी हुई हैं, उनमें से ये एक कोठी है, कोठी ऑफ हिम्मा हमीर। ये हिम्मा हमीर क्यों, हिम्मा हमीर के नाम से इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि हिम्मत सिंह हमीर जो थे उनके लिए ये कोठी बनाई गई थी और ये जो है उन्हीं के नाम से ये जानी जाती है। अब हिम्मत सिंह हमीर कौन थे? ये सन थे किसके? चंपत राय बड़गुजार के। ये चंपत राय बड़गुजार कौन है? आपको याद होगा जब बीर सिंह देव ने क्या किया था, अबुल फजल को किल कर दिया था, उनको उनको मतलब मार दिया था, तो उसके बाद क्या किया था, उनका जो हेड था, मैंने आपको बताया था कि उनका हेड जो था वो कहाँ भेजा था? इलाहाबाद भेजा था। किसके पास? पास प्रिंस सलीम के पास, ये बताने के लिए कि आपका काम जो है वो पूरा हो गया है। तो ये जो कटा हुआ सिर जो था ये कौन लेकर गया था? मैंने उस समय भी आपको बताया था कि चंपत राय के एक इनके बहुत ट्रस्टेड नोबल थे, किसके? वीर सिंह देव बुंदेला के। तो ये वो अबुल फजल का कटा हुआ सर लेकर इलाहाबाद गए थे, तो ये वही चंपत राय बड़गुजार हैं जो कि सामंत थे, किसके? वीर सिंह देव बुंदेला के, है ना, और इनके बहुत ही करीबी थे, तो उनके लिए, उनके बेटे के लिए ये कोठी बनवाई गई थी जिनका नाम था हिम्मत सिंह हमीर। ठीक है, और आपको एक चीज यहाँ पे जानने मतलब वाली है कि वीर सिंह देव बुंदेला ने जिन भी लोग, जो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके रिबेलियन के टाइम पे उनका साथ दिया था, सपोर्टेड ड्यूरिंग रिबेलियन, जो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके रिबेलियन के टाइम पर उनका साथ दिया था, और जब वो बरौनी के जागीरदार थे तब उनका साथ दिया था, तो उसी फोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में उन सबके लिए इन्होंने कोठीज का कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है, किसने? वीर सिंह देव बुंदेला ने, अपने जो भी ट्रस्टेड पर्सन थे, जो इनके करीबी थे, जिन्होंने इनको राजगद्दी में बैठने में मदद की थी और खासतौर से इनके टफ टाइम्स में इनका साथ दिया हुआ था, तो उन सभी के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोठीज का कंस्ट्रक्शन करवाया है। उन्हीं में से एक ये भी हैं, चंपत राय बड़गुजार, जिनके सन के नाम के ऊपर इस कोठी का नाम रखा गया है। और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए कोठी का कंस्ट्रक्शन करवाया गया? देखिए क्लोज एसोसिएट्स लिखा है, ये एसोसिएट्स वही हैं जब इनके, जब इनका रिबेलियन वाला टाइम था, जब कोई भी इनके साथ नहीं था तब इन्होंने क्या किया, इनका साथ दिया। उसमें कौन कौन आता है? उसमें आता है बलवंत दउआ, चंपत राय, बक्स राय प्रधान, मुकुटमणि गौर और केशव राय जैसे लोगों का नाम इसमें आता है, जिनके लिए वीर सिंह देव ने क्या किया था, कोठीज का कंस्ट्रक्शन, मतलब उनके रेसिडेंशियल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। ठीक है, ये कोठी जो है ये चंपत राय बड़गुजार के लिए बनवाई गई होगी, और हिम्मत सिंह जो हमीर थे वो उनके सन रहे होंगे, किसके? चंपत राय बड़गुजार के। ठीक है, ये जो है ये इम्पोर्टेंट हेरिटेज है किसकी? बुंदेला आर्किटेक्चर ऑफ 17th century AD। उस समय में कैसा आर्किटेक्चर चलता था उसका ये एक फाइन एग्जाम्पल है। और अभी यहाँ पे एक डेवलपमेंट भी देखने को मिला है, यहाँ पे थोड़े दिन पहले कुछ एक्सकेवेशन हुए थे, जब ये इसका रिस्टोरेशन वर्क जो है वो कैरी आउट किया जा रहा था, तो उसमें हमको क्या देखने को मिला है, हमको मिले हैं इनॉर्मस वाटर जार्स, टेरोक्विटा टॉयज मिले हैं यहाँ से, जो कि हमें उस समय के बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं कि उस समय कैसा, मतलब क्या क्या हुआ करता था, वो सब कुछ हमें इससे पता चल जाएगा। किससे? कोठी ऑफ हिम्मा हमीर से। कौन थे हिम्मा हमीर? चंपत राय बड़गुजार के सन थे। चंपत राय बड़गुजार कौन थे? ये थे क्लोज एसोसिएट किसके? वीर सिंह देव बुंदेला के। ठीक है, इसके बाद आता है नाम फोर्ट ऑफ पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर जो है ये टीकमगढ़ का ही एक विलेज है, वहां पर ये फोर्ट बनवाया गया है। ये महाराजा पृथ्वी सिंह, अभी आप पढ़ेंगे आगे, उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस फोर्ट का नाम भी रखा गया है। इसके बाद आता है फसियाने की हवेली और वैद्य की हवेली, ओरछा में है ये भी। जो भी रूलर्स थे ओरछा के, अब 17th century AD का टाइम है, उस टाइम पर ये बनवाया गया था, और जो रूलर्स थे ओरछा के उनका जो राज वैद्य हुआ करता था, मतलब उनका जो आप बोल सकते हो कि रॉयल फिजिशियन हुआ करता था, उसके लिए इस कोठी का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था उनके रेसिडेंस के लिए। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वैद्य की हवेली या फसियाने की हवेली बोला जाता है। ओरिजिनली द हवेली सीम्स टू हैव बीन बिल्ट इन 17th century AD, मतलब कि 17th century AD के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। इट इज सेड दैट दिस वाज द रेसिडेंस ऑफ वैद्य और द रॉयल फिजिशियन ऑफ द ओरछा रूलर्स। जो ओरछा के जो रूलर्स हुए हैं उनका जो भी रॉयल फिजिशियन रहता था उसको ये कोठी क्या करी जाती थी, अलॉट करी जाती थी कि आप जाइए और इसमें रहिए।
इसके बाद आता है हमाम खाना। हमाम खाना जो है वो किसने बनवाया था? महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला ने ही बनवाया था 1606 में। अब आप देखिए, ये वही टाइम है जब जहांगीर जो है वो कहाँ आने वाले हैं, वो ओरछा में आने वाले हैं। तो ये जो हमाम खाना है ये भी क्या रहेगा, ये पार्ट रहेगा ऑफ प्रिपरेशंस फॉर अराइवल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। ठीक है, जब जहांगीर यहाँ पे आने वाले हैं तो उनके लिए उनको जो भी सुख सुविधाएं चाहिए उसमें ही एक हमाम खाना भी इंक्लूडेड किया गया था, और ये उसी का पार्ट था कि वो आ रहे हैं उससे पहले जहांगीर पैलेस बन के तैयार हो जाना चाहिए, हमाम खाना बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो ये भी क्या था, ये इट वॉज पार्ट ऑफ प्रिपरेशंस फॉर अराइवल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। ये किस कॉन्सेप्ट पे बना है? बिकॉज हमाम खाना जो है वो जनरली आप मुगल्स के जो फोर्ट्स वगैरह देखेंगे उसमें आपको बहुत कॉमनली मिलेगा। तो ये जो है ये पर्शियन कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, और इसका जो इंटीरियर है वो भी टिपिकल मुगल स्टाइल से डेकोरेट किया गया था, है ना। और इसमें वेंटिलेटर है, इस तरीके से बनाया गया है वेंटिलेशन कि जो नेचुरल लाइट है वो हमाम खाने के अंदर तक आती है। अगर पूछा जाए कि हमाम खाना ओरछा किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो उसमें किसका नाम आएगा? महाराजा सिंह देव बुंदेला का नाम आएगा। किसके लिए कंस्ट्रक्ट करवाया गया था ये? प्राइमरीली ये जो मुगल एम्परर जहांगीर थे ये उनके लिए कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। कैसी शैली में बना है? पर्शियन कॉन्सेप्ट है, पर्शियन स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। और इंटीरियर जो है वो डेकोरेटेड है मुगल स्टाइल में। इसके बाद आता है पैलेस ऑफ दीवान, हाथीसाव महल ओरछा। पैलेस ऑफ दीवान जो है ये कब बनाया गया था? ये भी वीर सिंह देव बुंदेला के टाइम पर बनाया गया था। आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि वीर सिंह देव बुंदेला के टाइम पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई थी। एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबली कभी भी पूछा जा सकता है कि वीर सिंह देव बुंदेला वॉज ग्रेट बिल्डर कॉमेंट, ठीक है। अब आपको मालूम है कि उन्होंने क्या क्या बनवाया था, तो आप इस चीज से अग्री भी करोगे और इसको फिर आप बताओगे भी कि हाँ ये चीजें कंस्ट्रक्ट करवाई थी इन्होंने, और जो कि ये इस तरफ मतलब बताती हैं, ये शो करती हैं कि वीर सिंह देव बुंदेला वाकई ग्रेट बिल्डर थे अपने टाइम के। बिकॉज आप देख रहे हैं एक अकेले किंग ने कितना कुछ जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो करवा के रखा हुआ है। पैलेस ऑफ दीवान, हाथीसाव महल, ये कहाँ है? ये भी ओरछा में है, और ये इसका कंस्ट्रक्शन भी किसने करवाया था? महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने किसके लिए करवाया था? इनके जो ब्रदर इन लॉ थे उनका नाम था अर्जुन सिंह, और जो अर्जुन सिंह थे वो क्या थे? दीवान थे महाराजा वीर सिंह के, ठीक है। और जागीरदारी थी इनके पास, कहाँ की? शाहबाद की जागीरदारी इनके पास थी। तो ये अर्जुन सिंह जो इनके ब्रदर इन लॉ थे उनके रहने के लिए इन्होंने क्या किया था? ये पैलेस ऑफ दीवान जो हाथीसाव महल है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। द पैलेस ऑफ दीवान वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाराजा वीर सिंह, ठीक है। वीर सिंह ब्रदर इन लॉ अर्जुन सिंह ढंडेरा लिव्ड इन इट, ठीक है, वो रहा करते थे इसके अंदर में। और अर्जुन सिंह वॉज दीवान ऑफ महाराजा वीर सिंह एंड जागीरदार ऑफ शाहबाद। इसके बाद आता है पैलेस ऑफ जुझार सिंह। अभी हम जुझार सिंह को अभी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हम अब जब वापिस ओरछा स्टेट को स्टार्ट करेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम बुंदेला डायनेस्टी को देख रहे थे। अब जब हम इसके बाद स्टेट वाइज हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब प्रिंसिपैलिटी के तौर पे लेंगे, तब हम जुझार सिंह को एक बार वापस से थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये जो जुझार सिंह हैं इनके लिए जो ये पैलेस था ये भी किसने बनवाया था? ये वीर सिंह देव बुंदेला ने ही बनवाया हुआ था, क्योंकि ये इनके बेटे थे, है ना, और इन्होंने इनके रहने के लिए ये पैलेस का कंस्ट्रक्शन करवाया था, है ना। इसको और भी बोला जाता है नौ चौकी महल, क्योंकि यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे नौ आंगन थे, 9 courtyards थे, ठीक है। और ये जो थे जुझार सिंह, ये क्या थे? ये एल्डेस्ट सन थे महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला के, और ये यहाँ पर रहा करते थे। कहाँ पे? जो पैलेस ऑफ जुझार सिंह है इसके अंदर ये पे रहा करते थे। और ये पैलेस जो है ये भी एक फाइन एग्जाम्पल है बुंदेला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। बुंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जैसा हुआ करता था, उसमें की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे इस पैलेस में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि पहले सब जुझार सिंह है लेकिन कंस्ट्रक्शन वीर सिंह बुंदेला ने करवाया हुआ है। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि जुझार सिंह है तो जुझार सिंह का ने ही कंस्ट्रक्शन करवाया होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैलेस जो है वो वीर सिंह देव बुंदेला ने अपने सन के लिए कंस्ट्रक्ट करवाया है, और जिनका नाम था जुझार सिंह।
इसके बाद आता है कल्याण राय टेम्पल। कल्याण राय टेम्पल जो है इसका कंस्ट्रक्शन कब करवाया गया था, 1738 एडी के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा पृथ्वी सिंह जो है उनके टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। यहाँ पे किस किस की आइडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लॉर्ड कृष्णा और राधा जो है उनकी मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और उनकी स्थापना कब हुई थी, उनकी स्थापना हुई थी 1795 विक्रम संवत पर, ठीक है। और यहाँ पे उस समय तो ये स्थापना हुई थी, लेकिन अभी जो है ये जो मूर्तियां हैं ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। राधा और कृष्ण की जो मूर्ति उस समय यहाँ पे इंस्टॉल करी गई थी वो अब यहाँ पे नहीं है। आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, कल्याण राय टेम्पल कहाँ पर है, ओरछा में है। किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, महाराजा पृथ्वी सिंह के टाइम पर वो कंस्ट्रक्ट हुआ था। उसके बाद आता है नाम कोठी ऑफ बकसराय प्रधान की, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी कि बीर सिंह देव बुंदेला जो थे उनके जितने भी क्लोज अलाइज थे, जितने भी क्लोज एसोसिएट्स थे, उन्होंने उन सब के लिए क्या करी थी, कोठियां बनवाई थी, कोठीज का कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, रेसिडेंशियल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन उनके लिए किया गया था। कहाँ पे, फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर में ही ये सब जो कंस्ट्रक्शन है ये इन्होंने करवाया गया था, ठीक है। ये बकस राय कौन थे, बकस राय जो थे वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे, किसके, महाराजा वीर सिंह के, ठीक है। और जो वीर सिंह है इनको बकस राय ने असिस्ट किया था जब मुगल्स के अगेंस्ट में इनका वॉर चल रहा था, जब ये बार बार रिवोल्ट कर दे रहे थे और मुगल आर्मी जब आई थी हेल्प करने के लिए उस टाइम के ओरछा रूलर को, और जब ये जागीरदार थे बड़ौनी के, तो उस टाइम पर भी ये जो बकस राय प्रधान थे इन्होंने क्या किया था, महाराजा वीर सिंह को असिस्ट किया था। इसीलिए क्या किया, महाराजा वीर सिंह ने इनके लिए भी कोठी का कंस्ट्रक्शन करवाया, ठीक है। ये देखिए क्या ये चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है कि वीर सिंह और कोठीज बिल्ट इन द प्रीमाइसेस ऑफ द फोर्ट फॉर दोज हु हैव हेल्प्ड हिम गेट द थ्रोन ऑफ ओरछा एज फॉर वेल एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। द डेकोरेशन ऑफ द सर्विंग गेट वेंटिलेटर एंड प्लैंक्विन लाइक रूफ आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द हेरिटेज ऑफ बुंदेला स्टाइल ऑफ 17th सेंचुरी। अब आप ये देखिए ये जो चीज है ये यहाँ पे बोली जा रही है, ये सब चीजें जो मिलती हैं ये कहाँ पे मिलती हैं, ये बुंदेला आर्किटेक्चरल स्टाइल में ही मिलती हैं, ठीक है। प्लैंक्विन लाइक रूफ मतलब इस टाइप का जो रूफ है ये यहाँ पर ही मिलता है, और ये सब क्या है, ये फाइन एग्जांपल है बुंदेला आर्किटेक्चर के, है ना। कौन थे बकस राय प्रधान, ये क्या थे, मिलिट्री ऑफिसर थे महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला के, उनके लिए भी कोठी का कंस्ट्रक्शन करवाया था, किसने, महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला ने। उसके बाद एक नाम आता है बारूद खाना, नाम से ही एविडेंट है यहाँ पे क्या रखा जाता होगा, बारूद रखा जाता होगा या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशंस जो है वो स्टोर किए जाते होंगे। कहाँ पर है, ये भी ओरछा में है, और ये कब बना होगा, ये भी 17th सेंचुरी के आसपास का ही कंस्ट्रक्शन है। एम्युनिशन जो है वो स्टोर होता था इस बिल्डिंग में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बारूद खाना इसका नाम कब पड़ गया। और आज की डेट में मध्य प्रदेश आदिवासी कला एकेडमी जो है उसका एक साकेत रामायण म्यूजियम है वो इस बिल्डिंग में उन लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग में ये म्यूजियम जो है साकेत रामायण म्यूजियम है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया है, कहाँ पे, बारूद खाना ओरछा में। अब कोठी ऑफ बड़ेलाल ओरछा, कोठी ऑफ बड़ेलाल क्या है आप समझिए, दो ब्राह्मण भाई थे, एक का नाम था बड़ेलाल और एक का नाम था गोरेलाल, ये दोनों ही यहाँ पे रहा करते थे व्यासपुरा नाम की जगह पर, ओरछा में ही व्यासपुरा नाम की जगह पर ये लोग रहा करते थे, ठीक है। अब जो बड़े भाई गोरेलाल थे वो क्या थे, वो गनमैन थे, किसमें, बुंदेला आर्मी में, ठीक है। और जो छोटे थे मतलब जो छोटे भाई थे बड़ेलाल वो क्या थे, वो माइनर थे उस टाइम पर, लेकिन होता क्या है कि गोरेलाल की हो जाती है डेथ, और जो बड़ेलाल रहते हैं और वाइफ जो रहती है गोरेलाल की वो क्या करते हैं, वो इस बिल्डिंग में शेल्टर लेते हैं, किसमें, कोठी ऑफ बड़ेलाल में, ठीक है। और इस अब देखिए कौन है, ये एक सिस्टर इन लॉ है और एक ब्रदर इन लॉ है, वो लोग साथ में यहाँ पर आकर रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो बड़ा भाई है जो एल्डर ब्रदर है उसकी हो चुकी है डेथ, तो यहाँ पे लोकल पीपल जो है जो यहाँ के आसपास के रहवासी हैं वो इसको देवर भाभी की हवेली भी बोलते हैं। रीजन आपको समझ में आ गया क्यों, क्योंकि दोनों भाई थे बड़ेलाल और गोरेलाल, गोरेलाल की डेथ हो जाएगी है ना, तो उनकी जो वाइफ रहेंगी गोरेलाल की वो अपने देवर बड़ेलाल के साथ क्या करेंगी, यहाँ पे आके रहना शुरू कर देंगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, देवर भाभी की हवेली बोला जाएगा। और साथ में अब इसको भूतिया हवेली भी या पोजेस्ट हवेली भी बोला जाता है, जैसे भोपाल में एक भूत बंगला था, मे भी आप लोगों ने देखा होगा फिजा में जस्ट सामने ही, तो वैसे ही इसको भी भूतिया हवेली बोला जाता है। अब कोठी जो है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट हेरिटेज है ऑफ बुंदेला आर्किटेक्चर ऑफ 17th सेंचुरी एडी, बिकॉज ये सब हमें क्या बताता है कि उस टाइम का कंस्ट्रक्शन कैसे कैरी आउट किया जाता था। इसके बाद एक दूसरा नाम आता है हवेली ऑफ कृपाराम,
कृपाराम गौर, कृपाराम गौर जो थे ये भी प्रिंसिपल नोबल थे वीर सिंह देव बुंदेला के। देखिए इनकी हवेली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने जो कि कौन व्यक्ति किस पोस्ट पर था और वो उसका क्या रिलेशन था वीर सिंह देव बुंदेला से, वो जरूर आप ध्यान रखिएगा। बिकॉज अब जैसे आजकल क्वेश्चन इस टाइप के आने लगते हैं कि बौधन दउआ किसके सेनापति थे, ठीक है, तो ये अब देखिए दउआ फैमिली यहाँ से चली आ रही है अभी, अगर आपने पीछे ध्यान दिया होगा तो। हाँ ये देखिए दउआ जी की कोठी, दउआ जी की कोठी यहाँ से चली आ रही है। तो जो भी कमांडरशिप में रहेंगे उनको दउआ बोला जाता था। इसमें बोधन दउआ का नाम आएगा, लक्ष्मण दउआ का नाम आएगा, श्याम दउआ का नाम आएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कौन किससे एसोसिएटेड है और उसका रिलेशन क्या था, ठीक है। हवेली ऑफ कृपाराम जो है ये भी कहाँ है, ओरछा में ही सिचुएटेड है। और कृपाराम कौन थे, कृपाराम गौर जो थे वो क्या थे, वो प्रिंसिपल नोबल थे ऑफ महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला, ठीक है। और उनकी जो कोठी है वो कहाँ है, जो मधुकर शाह की जो छतरी है उसके ही नॉर्थ साइड में आपको देखने को इनकी हवेली मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब मुगल्स के अगेंस्ट में वीर सिंह देव बुंदेला जब अपने एक्सपेडिशंस कर रहे थे, उनकी टेरिटरी जो है वो एक्वायर कर रहे थे, आपको याद होगा इनको तो केवल बड़ौनी जागीर मिली थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, आसपास की टेरिटरी को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया था। उस समय जब इनका किसने साथ दिया था, ये जो कृपाराम गौर थे इन्होंने इनको बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया था, किसको, वीर सिंह देव बुंदेला को, ये एक्सपेडिशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। हवेली ऑफ कृपाराम गौर ओरछा, द हवेली ऑफ कृपाराम गौर अ प्रिंसिपल नोबल ऑफ महाराजा वीर सिंह बुंदेला इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ सेनेट ऑफ मधुकर शाह एट व्यासपुरा, व्यासपुरा जो है ओरछा में ही है। वीर सिंह कैरिड सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस अगेंस्ट द मुगल फ्रॉम बरौनी विद द कोऑपरेशन ऑफ कृपाराम गौर। अब आप ध्यान करिए जब जो व्यक्ति इनकी हेल्प कर रहा है, जब ये जागीरदार है तब, तो ये जब ये राजा बन जाएंगे तो ये बट ऑब्वियस उसके लिए ये अपना सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, और वही ये करा इन्होंने ये हवेली बनवाकर। इसके बाद नाम आता है लक्ष्मी टेम्पल ओरछा का। लक्ष्मी टेम्पल जो है इसका भी कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। और फिर उसके बाद कुछ थोड़ा इसमें एडिशन किसने करवाया था, राजा पृथ्वी सिंह हुए हैं उन्होंने 1793 में कुछ एडिशन भी करवाया था, किसमें, लक्ष्मी टेम्पल में। ये एक ट्राइंगुलर टेम्पल है, मतलब इसका शेप ट्राइंगुलर है लेकिन ये बना हुआ जो है वो स्क्वायर कोर्टयार्ड के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये इसमें बिल्डिंग मटेरियल कौन कौन से यूज हुए हैं, ब्रिक्स और लाइम जो है वो इसमें बेसिकली यूज हुआ है, ठीक है। और इसका जो शिखर है वो कैसा है, वो ऑक्टागोनल शेप का है, और ऑक्टागोनल है और बहुत लंबा है, हाई है, तो वो दूर से देखने में कैसा दिखता है, मीनार की तरह दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गैलरीज हैं टेम्पल्स, टेम्पल और उसकी जो सीलिंग है, मतलब जो छत है और जो गैलरीज वगैरह की जो दीवारें हैं, उसको कैसे सजाया गया है, उसको सजाया गया है बाय यूजिंग वेरियस पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो हैं उनसे उसको डेकोरेट किया गया है। और उसमें क्या क्या डिपिक्ट किया गया है, उसमें डिपिक्ट किए गए हैं एपिसोड्स ऑफ रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, और साथ में ही कुछ यूनिक पेंटिंग्स भी हैं जो क्या बताती हैं, रानी ऑफ झांसी जो थी उनके और ब्रिटिश के जो वॉर हुए थे उस टाइम का जो डिपिक्शन है वो भी कुछ जो पेंटिंग्स हैं वो डिपिक्ट करती हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कब किया गया था, इसका कंस्ट्रक्शन भी 17th सेंचुरी एडी से 19th सेंचुरी के एडी के बीच में किया गया था, है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन पहले किया गया था और जो पेंटिंग्स हैं टेम्पल के अंदर वो क्या है, वो इस एरिया इस पीरियड में आप समझ सकते हैं कि वो करा गया था। ये देखिए कंस्ट्रक्शन कब है, 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया है लेकिन पृथ्वीराज सिंह के टाइम पर, और एडिशन होगा 18th सेंचुरी में। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें पेंटिंग्स में, अब ये जो वाली पेंटिंग है खासतौर से जिसमें रानी ऑफ झांसी और ब्रिटिश का जो एक मतलब आपसी एनकाउंटर दिखाया जा रहा है 1857 वाला, तो ये कब का बात हो गई, ये तो 19th सेंचुरी की बात हो गई। तो इसमें स्ट्रक्चर पहले बन गया था लेकिन जो ये पेंटिंग्स हैं, है ना, ये 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में सारी पेंट की गई हैं। इसके बाद नाम आता है वल्लभ टेम्पल का। ये कहाँ पर है, ये सिचुएटेड है सदर्न गेट ऑफ रैमपर्ट ऑफ द फोर्ट। रैमपर्ट ऑफ द फोर्ट मतलब किले की जो प्राचीर है उसके सदर्न गेट की तरफ ये सिचुएटेड है क्या, वल्लभ टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक समय पर यहाँ पे क्या होता था, एक पुजारी हुआ करते थे पुरुषोत्तम दास, उनका यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस रेसिडेंस रहा करता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी दीवार वगैरह नहीं बची है, केवल दीवार ही बची है, घर नहीं बचा है, ठीक है। और ये कब कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ये भी 17th सेंचुरी एडी के टाइम पर करवाया गया था, ठीक है। ये अभी टेम्पल है लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, पुजारी पुरुषोत्तम दास जी का घर होता था। इसके बाद नाम आता है नोने जू की हवेली।
ये भी कहाँ पर है? ये भी ओरछा में है। नौने शाह बड़गुजार जो थे ये क्या थे? ये शेफ्टियन थे। ये भी सामंत थे, किसके? महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला के, है ना। और इन्होंने ये हवेली अपने खुद के रहने के लिए बनवाई हुई थी। क्या नाम था इसका? नौने जो की हवेली ओरछा, ठीक है। और ये भी क्या है, ये बताती है उस टाइम की बुंदेला हेरिटेज, उस टाइम का बुंदेला आर्किटेक्चर, इसीलिए क्या है ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्या शो करती है? द बुंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्रिवेलिंग इन द 17th सेंचुरी एडी। उस टाइम पर जो जैसा भी चलता था आर्किटेक्चर, ये उसका एक फाइन एग्जाम्पल आपके सामने पेश करती है। कौन सी? नौने जो की हवेली। इसके बाद आता है पालकी महल ओरछा। पालकी महल जो है ये किसके टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ था? महाराजा वीर सिंह देव के टाइम पर। आप लोग देख रहे हैं कि सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो महाराजा वीर सिंह देव के टाइम पर ही कंस्ट्रक्ट हुए थे। बहुत सारा जो यहाँ पे आपको बार बार नाम देखने को मिल रहा है वो क्या, किसका मिल रहा है? महाराजा वीर सिंह देव का मिल रहा है। अब ये पालकी क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसका डोली टाइप का जो स्ट्रक्चर है, प्लैंकमेंट शेप्ड रूफ जो है इसकी सेंट्रल हॉल की, इसलिए इसको पालकी महल बोला जाता है। देखने में वो पालकी की तरह लगता है इसलिए, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। इसके बाद आता है एक पंचमुखी महादेव टेम्पल। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आता है पंचमुखी महादेव टेम्पल। ये भी कहाँ पर है? ओरछा में ही है। पंचमुखी महादेव टेम्पल जो है ये सराउंडेड है बाय एनक्लोजिंग वॉल, और ये इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसको देख के पहले प्राइमरी लगेगा कि कोई फोर्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेन टेम्पल तो है ही, और यहाँ पे साथ में दो और टेम्पल है जो की एकदम सेम टू सेम है एक दूसरे के साइज में और स्टाइल में, ठीक है। और यहाँ पे इसके प्लान में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा? वेदीबंध, चंघा, शिखर, ये सब कुछ किसमें है? नागर स्टाइल में बना हुआ है। ये जो टेम्पल है इसका कंस्ट्रक्शन कब हम असाइन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, मतलब कि जैसा ये बना हुआ है उस स्टाइल को देखते हुए ये कब असाइन किया जा सकता है? इसको डेट जो है वो अराउंड 17th सेंचुरी के टाइम का असाइन किया जाता है वैसे भी। हाँ, और ये सिंथेसिस बताती है, ठीक है। किसकी बताती है सिंथेसिस? यहाँ पे भी आपको सिंथेसिस देखने को मिलेगी। कुछ कुछ आपको राजपूत आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा और कुछ आपको बुंदेला आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सिंथेसिस बताती है, और ये सिंथेसिस किसके टाइम पर शुरू हुई थी, ठीक है। जो ये सिंथेसिस ऑफ स्टाइल्स है, मतलब बाकी चीजों, बाकी स्टाइल, केवल बुंदेला ही नहीं, इसमें किसी और चीज का भी तड़का लगा देना, कुछ फ्यूजन डाल देना, ये सिंथेसिस किसके टाइम पर शुरू हुई थी? ये ओरछा में महाराजा वीर सिंह के टाइम पर शुरू हुई थी। और रीजनल बेसिस पे अगर देखा जाए तो आप इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये बुंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का है। लेकिन अगर इसको वैसे पैन इंडिया बेसिस पर देखा जाता है, बड़े बेसिस पर देखा जाता है, तो फिर इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्योर बुंदेला स्टाइल पर बना हुआ है। इसमें आपको थोड़ा सा फ्यूजन देखने को मिलेगा। इसके बाद आती है हवेली ऑफ पंडित हरिराम व्यास ओरछा। ये भी बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की है, बिकॉज यहाँ पे जिनका जन्म हुआ था वो जन्म इतने पहले हुआ था, ठीक है। और अभी ये जहाँ पर है वो जगह का नाम क्या है? व्यासपुरा। तो ये बताती है कि उस टाइम पर भी ये जगह जो थी ये एग्जिस्टेंस में थी, इसलिए इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। पंडित हरिराम व्यास जो थे, इनका जो जन्म था वो इसी घर में हुआ था, इसी हवेली ऑफ पंडित हरिराम व्यास में हुआ था, ठीक है, जो कि उस समय का व्यासपुरा कहलाता था। और ये बताती है कि व्यासपुरा जो था वो उस समय एग्जिस्टेंस में था, ठीक है, जब रुद्र प्रताप सिंह ने फोर्ट बिल्ड किया था 1531 एडी के टाइम पर, उस समय व्यासपुरा जो था वो एग्जिस्टेंस में था। और पंडित हरिराम व्यास जो थे वो क्या थे? वो डिवोटी ऑफ कृष्णा थे, और इन्होंने ये क्या फॉलो किया करते थे? ये राधा वल्लभ सेक्ट जो होता है ये वो फॉलो किया करते थे, और साथ में ही ये क्या थे? ये राजगुरु भी थे मधुकर शाह के। कौन? पंडित हरिराम व्यास। इनकी हवेली कहाँ पर है? ओरछा में है। इसके बाद आता है फूलबाग महल। फूलबाग महल जो है ये महाराजा वीर सिंह देव ने भी इसका भी कंस्ट्रक्शन करवाया था। इसमें बस इतना ही आपको जानना है। इसके बाद आता है एक प्रवीण राय पैलेस ओरछा। ये जो है ये इंद्रजीत सिंह ने बनवाया था। ये कौन थे? ये यंगर ब्रदर थे किसके? राम शाह के। आप लोगों को याद होगा मधुकर शाह के बहुत सारे बेटे थे, उनमें से राम शाह थे और होरल देव थे, इंद्रजीत थे, ठीक है। ये लोग जो थे
इसमें ही जो इंद्रजीत जो थे, इंद्रजीत सिंह जो थे, उन्होंने इसका पैलेस का कंस्ट्रक्शन करवाया था, किसका, प्रवीण राय पैलेस का, ठीक है। और ये उस समय के क्या थे, केयरटेकर, थोड़े टाइम के लिए ये ओरछा के केयरटेकर रूलर भी थे, तो उसी टाइम पर इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, किसका, प्रवीण राय पैलेस का। अब ये प्रवीण कौन था या कौन थी, तो प्रवीण राय जो थी ये एक फेमस डांसर थी, कहा कि ओरछा के रॉयल कोर्ट की ये एक फेमस डांसर थी, मतलब ओरछा दरबार की नृत्य की थी, है ना। और साथ में ही ये एक बहुत अच्छी पोएटिस भी थी, सिंगर भी थी और एक्सपर्ट राइडर भी थी। महाकवि केशव दास आप देखेंगे कि उस टाइम पर हुआ करते थे, तो केशव दास ने इनके ऊपर कवि प्रिया नाम का मतलब पूरा की पूरा ग्रंथ लिखा हुआ था, इन द प्रेस ऑफ हिज डिसिपल प्रवीण राय। प्रवीण राय जो थी वो केशव दास को बहुत मानती थी, ठीक है, उनकी डिसिपल थी, तो उन्हीं की प्रेज में केशव दास ने क्या, कवि प्रिया नाम का एक पूरा ग्रंथ लिखा हुआ था। जब प्रवीण राय जो थी ये क्या करती है, ये मुगल एम्परर अकबर के इन्विटेशन पर वहां पर जाती है उनसे मिलने के लिए, ठीक है। और उस समय जो ये रहती हैं प्रवीण राय, ये क्या करती हैं, ये बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर देती हैं किसको, मुगल एम्परर को, और मुगल एम्परर जो रहते हैं इनको वापस ओरछा भेज देते हैं। विद ड्यू पे एक झरोखा है, इस ये जो प्रवीण राय का महल है या इसमें आनंद मंडल नाम की जगह है, वहां पे एक झरोखा है, और ऐसा बोला जाता है कि वहीं पर बैठकर ये क्या किया करती थी, कविताएं लिखा करती थी, पोएम्स जो है वो कंपोज किया करती थी। और साथ ही में यहाँ पे इंद्रजीत राय की और प्रवीण राय की, इंद्रजीत सिंह की और प्रवीण राय की पेंटिंग्स भी आपको इस महल के अंदर, प्रवीण राय पैलेस के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो कि शो करती हैं टिपिकल स्टाइल ऑफ बुंदेला स्कूल ऑफ पेंटिंग। हमने अभी जो भी ये यहाँ पे जितना भी हम पढ़ रहे हैं इसको हम सिर्फ आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पे पेंटिंग स्टाइल जो है वो कवर नहीं किया हुआ है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर में, आप जब टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स पढ़ोगे तो उसमें आप बुंदेला स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो आप पूरा की पूरा कवर करोगे, ठीक है। और ये जो आर्किटेक्चर है पैलेस का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बोथ स्टाइल रिप्रेजेंट करता है, राजपूत स्टाइल भी रिप्रेजेंट करता है और बुंदेला स्टाइल भी रिप्रेजेंट करता है। क्या जाना हमने प्रवीण राय के पैलेस के बारे में, कि ये इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, इंद्रजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है। और प्रवीण राय कौन थी, ये एक फेमस डांसर थी ओरछा रॉयल कोर्ट की, और साथ में ही ये पोएटिस भी थी, सिंगर भी थी और एक्सपर्ट राइडर भी थी। और महाकवि केशव दास जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कवि प्रिया लिखा था इनके प्रेस में, किसके, प्रवीण राय के प्रेस में। और साथ में ही ये कहाँ गई थी, ये मुगल एम्परर अकबर से भी मिलने गई थी, जहाँ पे इन्होंने उनको बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर लिया था। और यहाँ पे आपको पेंटिंग्स किसकी किसकी देखने को मिल जाएंगी, प्रवीण राय और इंद्रजीत सिंह दोनों की पेंटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद नाम आता है राधिका बिहारी टेम्पल ओरछा का। ये क्या है, ये ईस्ट फेसिंग टेम्पल है, और ये किसने बनवाया था, ये वीर सिंह देव बुंदेला ने ही इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। आप देख रहे हैं मतलब लगभग 22 इयर्स का इनका रूल था, आप समझिए कि पूरे 22 इयर्स मैसिव लेवल पे कंस्ट्रक्शन जो था वो किया ही जा रहा था। हर दूसरी चीज में आप नाम देखेंगे किसका, वीर सिंह देव बुंदेला का। और ये कोई छोटे छोटे स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, इसीलिए वीर सिंह देव बुंदेला के रूल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, बुंदेला डायनेस्टी के रूल का, क्योंकि उनके जैसा जो रूल था वो किसी का भी नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो टेम्पल है ये भी क्या है, फाइन एग्जाम्पल है ऑफ बुंदेला स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या नाम है इसका, राधिका बिहारी टेम्पल। कहाँ पर है ये, ओरछा में। किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, वीर सिंह देव बुंदेला ने कंस्ट्रक्ट करवाया। इसके बाद नाम आता है कोठी ऑफ दाऊजी ओरछा। ये कहाँ पर है, ये जहांगीर पैलेस के साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। रेमन दाऊजी जो थे वो क्या थे, इनके जो मिलिट्री ऑफिसर थे, किसके, बुंदेला किंगडम में, ये रेमन दाऊजी जो थे ये मिलिट्री ऑफिसर थे वीर सिंह देव बुंदेला के टाइम पर, ठीक है। और ये कौन थे, ये मतलब ऐसा माना जाता है कि ये रेमन दाऊजी जो थे ये सन थे किसके, बलवंत यादव के, ठीक है। और इन्हीं के असिस्टेंट से, बलवंत यादव के ही असिस्टेंट से क्या किया था, वीर सिंह देव बुंदेला ने क्या किया था, अबुल फजल की मर्डर करा था, उनकी हत्या करी थी, ठीक है। तो ये उन्हीं की कोठी मानी जाती है, मतलब ध्यान करिए, वीर सिंह देव बुंदेला ने क्या किया, अबुल फजल का मर्डर किया, उस समय उनकी हेल्प किसने करी, बलवंत यादव ने करी। बलवंत यादव के बेटे कौन थे, रहमन दाऊ थे, जिनके लिए ये कोठी बनवाई गई है, ठीक है। और फिर ये रहमन दाऊ के बाद इसको, इसमें कौन रहने लगा, श्याम दाऊ और दलाल दाऊ भी रहने लगे, ठीक है। और वो भी क्या थे, वो भी कमांडर थे ऑफ बुंदेला आर्मी। ये वो कोठी है, किसकी, कोठी ऑफ दाऊजी ओरछा। इसके बाद नाम आता है राजा महल का। राजा महल जो है ये कहाँ पर है,
ये फोर्ट जो है टीकमगढ़ में ही, ये अब ओरछा हो जाएगा जहां तक है, ठीक है। उसमें वहां पर इसके फोर्ट के साउथ में ये लोकेटेड है। और ये क्या है, देखिए अभी तक हम 17th सेंचुरी देख रहे थे, 16th सेंचुरी देख रहे थे, ये कब बना हुआ है, ये 19th सेंचुरी एडी के टाइम पर बना हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको दरबारे आम भी कहा जाता है। और ये लास्ट पैलेस है जो कि बुंदेला रूलर्स ने बनवाया था, है ना। और ये किसमें, किस स्टाइल में बना हुआ है, ये यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी आप देखेंगे, ग्राउंड फ्लोर देखेंगे, गेट्स देखेंगे, वेंटिलेटर देखेंगे, हर चीज जो है वो क्या दिखाएगी आपको, यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी पिलर लाइंस वगैरह जो इसमें यूज करी गई हैं वो आयोनिक और कोरिंथियन स्टाइल में यूज करी गई हैं, और स्टको स्टाइल जो है वो अडॉप्ट किया गया है वॉल की डेकोरेशन के लिए। अभी जो है, अभी आज की डेट में ये महल जो है, ये क्या है, ये जो उनके जो टाइटुलर रूलर्स चले आ रहे हैं बुंदेला डायनेस्टी के, जो उनके पोजेशन में है ये, दिस पैलेस इज अंडर पोजेशन ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ टीकमगढ़। आप देखेंगे कि ओरछा की ही लाइन से, ओरछा डायनेस्टी की ही लाइन से आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा कि कुछ रूलर जो है वो भागकर टीकमगढ़ चले जाएंगे और वहां पे अपनी राजधानी मतलब बना लेंगे, अपनी कैपिटल जो है इस्टेब्लिश कर देंगे। बिकॉज टीकमगढ़ तो बाद में बनाए, पहले ये टहरी नाम की जगह थी, टहरी मतलब टेकरी, टेकरी बोलते थे उसको, टहरी बोलने लगे, पर मतलब कि कोई ऐसी जगह जो कि थोड़ी ऊंची जगह पर बनी हुई हो, वहां पर हो, तो वहां पे ये क्या करेंगे, चले जाएंगे भागकर और वहां पे ये लोग रहने लगेंगे टीकमगढ़ में, वहां से रूल करने लगेंगे, ओरछा को छोड़ देंगे। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि दिस पैलेस इज अंडर द पोजेशन ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ टीकमगढ़, बिकॉज जब तक वो ओरछा में थे तब तक उन्होंने ओरछा में कंस्ट्रक्शन करवाया, और जब उनको भाग के टीकमगढ़ जाना पड़ा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उन्होंने फिर टीकमगढ़ में कंस्ट्रक्शन करवाया, और ये कंस्ट्रक्शन जो है राजा महल का कंस्ट्रक्शन, ये उसी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। इसके बाद नाम आता है केव ऑफ सिद्ध बाबा, मतलब सिद्ध बाबा की गुफा, ये कहाँ पर है, ये भी ओरछा में है, ठीक है। ये भी फोर्ट जो है उसके नॉर्दर्न कॉर्नर में है, आप देख सकते हैं जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके नॉर्दर्न कॉर्नर में है ये सिचुएटेड है, और ये भी ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग है। ये किस चीज से बनी हुई है, ये ब्रिक्स से और लाइन से बना हुआ स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। ये क्या है, ये थ्री स्टोरी बिल्डिंग है, और साथ में इसमें तहखाना भी है, बेसमेंट भी है, रेक्टेंगुलर रूम्स हैं जो कि सभी साइड में, एक मतलब कि आप समझ लीजिए स्क्वायर शेप का इसका आंगन है, और उस स्क्वायर शेप के आंगन के चारों तरफ क्या हुआ है, रेक्टेंगुलर रूम्स बने हुए हैं उस आंगन के, ठीक है। अब रूम्स जो है वो बहुत, जो रूम्स के जो दरवाजे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, और इनमें मतलब आप समझ लो कि थोड़ा सा घुस के मतलब झुक के जाना पड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो गुफा टाइप, मतलब उसमें जब जाओगे अंदर आप तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, आपको गुफा टाइप की फीलिंग आएगी, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, केव ऑफ सिद्ध बाबा, मतलब सिद्ध बाबा की गुफा, है ना। और रूम जो है वो छोटे हैं, शॉर्ट डोर्स हैं वहां पे, इसीलिए वो दिखते भी कैसे हैं, गुफा जैसे ही दिखते हैं। ये ओरिजिनली जो ये कंस्ट्रक्शन था, ये क्या था, ये मठ बनाया गया था, और यहाँ पे सिद्ध बाबा लोग रहते थे, मतलब जो सेंट्स हैं जो जिनको एनलाइटमेंट हो चुका है, ऐसे कुछ सेंट्स जो है वो यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। मठ था ये, इसीलिए छोटे छोटे दरवाजे भी आप देख सकते हैं, बिकॉज मठ वगैरह में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत छोटे दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे, कि अंदर की चीजें जो है वो बाहर वाले लोगों को बहुत एकदम डायरेक्टली विजिबल नहीं हो। और ये बिल्डिंग जो है ये भी कब आपको बनी हुई है, ये 16th सेंचुरी एडी के टाइम पर ये बिल्डिंग जो है ये बनी हुई है, कौन सी, सिद्ध बाबा की गुफा या केव ऑफ सिद्ध बाबा, जिस जो की ओरछा में है। इसके बाद नाम आता है सीतामढ़ी महल का। सीतामढ़ी महल जो है ये क्या है, ये भी ओरछा में ही है, ठीक है। और ओरिजिनल पैलेस तो पहले बनाया गया था, और उसके बाद कुछ अपर पोर्शन जो है उसमें एडिशंस बाद में किए गए। ओरिजिनल पैलेस जो है ये 16th सेंचुरी के टाइम पर बना हुआ है, और जो कुछ एडिशंस हैं अपर पोर्शन के वो 17th सेंचुरी एडी के टाइम पर किए गए हैं। जो स्ट्रक्चर है इस पैलेस का वो कैसा है, एल शेप्ड है, ठीक है। लेकिन अब पहले जब ये ओरिजिनल पैलेस जो बना हुआ था वो रेक्टेंगुलर शेप में था, ठीक है। अब इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या मिलेगी आपको, सिंथेसिस मिलेगी। किस किस चीज की सिंथेसिस मिलेगी, राजपूत स्टाइल की और बुंदेला स्टाइल की सिंथेसिस मिलेगी। जो लोअर पोर्शन है मतलब कि जो पहले बना हुआ है वहां पे आपको राजपूत स्टाइल देखने को मिलेगा, और जो अपर पोर्शन है वहां पे आपको बुंदेला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। ये किसने बनवाया था, ये सोने शाह जो थे, एक कजिन ऑफ इंद्रजीत सिंह,
ठीक है, सोने शाह नाम के एक व्यक्ति थे जो कि इंद्रजीत सिंह के कजिन थे। उन्होंने इसका इस पैलेस का, सीतामढ़ी महल का कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ था, इसीलिए इसको पैलेस ऑफ सोने शाह भी बोला जाता है। अभी की डेट में यहाँ पे संस्कृत स्कूल लगता है, किसमें? सीतामढ़ी महल में, पैलेस ऑफ सोने शाह में एक संस्कृत स्कूल लगता है। अब इसके बाद आता है सुंदर शाह महल। सुंदर शाह महल जो है ये भी कहाँ है? ओरछा में ही है, ठीक है। और ये किसने बनवाया था? ये महाराजा पृथ्वी सिंह ने बनवाया था 1742 एडी के टाइम पर, इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। बाद में यहाँ पे दो आप बोल सकते हैं कि दरगाह टाइप की भी बन गई थी, सैयद पीर और जहर पीर की जो दरगाह है, उनकी जो श्राइन्स हैं वो भी यहाँ पे सुंदर शाह महल की ही प्रीमाइसिस में कंस्ट्रक्ट करवाई गई है, ठीक है। और इसकी जो स्टाइल है, मतलब इसकी जो दीवारें हैं उनकी स्टाइल पर अगर जाके बोला जाए तो ये 17th सेंचुरी के टाइम पर आप बोल सकते हो कि ये बनी हुई है। अब सुंदर शाह कौन थे? ऐसा जब बोला जाता है कि एक इंद्रमणि हुए थे यहाँ पे, तो इंद्रमणि की एक मुस्लिम वो थी, लवर थी, ठीक है, जो कि बोला जाता है कि औरंगजेब की बेटी ही थी। तो उनके और इनकी, मतलब कि वो जो मुस्लिम लवर थी वो और इंद्रमणि जो थे, इनकी जो मतलब चाइल्ड हुआ था वो सुंदर शाह थी, ठीक है। इट इज सेड दैट सुंदर शाह वाज बोर्न ऑफ अ मुस्लिम लवर ऑफ इंद्रमणि लिव्ड इन दिस पैलेस, ठीक है। द मुस्लिम लवर इज सेड टू बी द औरंगजेब डॉटर शहजादी मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा को बोला जाता था कि यही वो मुस्लिम लवर थी जिनका की इंद्रमणि के साथ रिलेशन था, और उसके बाद जो चाइल्ड बॉर्न हुआ था वो सुंदर शाह था, जिसके लिए ये महल बनवाया गया था, ठीक है। सुंदर शाह की डेथ के बाद उनका टोम्ब जो है वो इसी जगह पर बना दिया गया है, ठीक है। और ये टोम्ब जो है ये किसके टाइम पर बनवाया गया है? ये महाराजा पृथ्वी सिंह के टाइम पर बनवाया गया है। यहाँ पे एक बड़ी बारादरी भी है, कहाँ पे? इसी टोम्ब के अंदर में, ठीक है। और ये जितनी भी पूरी बिल्डिंग है ये किस किस चीजों से बनी हुई है? ये स्टोन, ब्रिक और लाइम का यूज करके, इन तीन चीजों का यूज करके ये जो है सोने शाह का जो महल है, ये इसका सुंदर शाह का जो महल है इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया गया है, ठीक है। सुंदर शाह का टोम्ब भी इसी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है नाम तीन दासियों का महल। ये कहाँ पर है? ये भी ओरछा में ही है। ये 17th century AD के टाइम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे दासीज रहती थी, मेड जो रहती थी रूलर ऑफ ओरछा की, वो यहाँ पर रहा करती थी, उनके लिए ये महल था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दासियों का महल। और बाद में इसको वहां पर ही बाद में क्या बन गया? दासियों की समाधि भी बन गई। जब उनकी डेथ हो जाती है तो वहीं पर उनकी समाधि भी बना दी जाती है। किसकी? तीन दासियों की, जिसके ऊपर इनका महल भी था, तीन दासियों का महल। इसके बाद आता है टोपची का मकान। टोपची का मकान को क्या और क्या बोलते हैं? टोपची की हवेली भी बोलते हैं। अब टोपची कौन होता है? टोपची उस समय में गनमैन को बोला जाता था, ठीक है। ये अभी बहुत ज्यादा बची नहीं है, ये बहुत कम बची हुई है, क्योंकि उस समय क्या थे जो टोपची थे, जो गनमैन थे, वो क्या होते हैं कि वो राजा पहाड़ सिंह जो होते हैं उनको वो किसी बात पर मतलब एंग्री हो जाते हैं। किससे? महाराजा पहाड़ सिंह से। और वो क्या करते हैं कि इनकी बात नहीं मानते हैं और क्या करते हैं कि फायर ओपन कर देते हैं ऑन द रॉयल पैलेस, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो उनके महाराजा हैं, मतलब कि पहाड़ सिंह, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो क्या बोलते हैं कि इनका जो ये मकान है, टोपची का जो मकान है, इसी को उड़वा दो, ये बहुत ज्यादा गोली चला रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो है, ये तोप से इनका जो मकान है वो पूरा की पूरा डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है, और वो जो गनमैन रहते हैं, जो टोपची रहते हैं, उनकी भी हो जाती है डेथ, ठीक है। तो वॉल्स जो है वो तुरंत ही होंगे और सिर्फ क्या है, सिर्फ एक टॉवर बचा हुआ है इस घर का, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। किसमें? टोपची का मकान में। अब इसमें इसके बाद आती है कोठी ऑफ श्याम दउआ। श्याम दउआ आप समझ रहे हैं किसके लीनेज में चला आ रहा है, रेमन दउआ जो थे उनके लीनेज में चला आ रहा है। होता क्या है कि रेमन दउआ जो रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी फैमिली जो रहती है पूरी की पूरी, वो क्या कर लेती है, वो मतलब सुसाइड कर लेते हैं, सब लोग एक साथ सुसाइड कर लेते हैं। उसके रीजंस जो रहते हैं वो अननोन रहते हैं, रीजंस जो रहते हैं वो अननोन रहते हैं। लेकिन अब जो बीर सिंह देव बुंदेला हैं वो तो बहुत ज्यादा मानते थे ना इनको, बिकॉज इन्होंने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी जब वो रिबेलियस स्टेज में थी। लेकिन जब ये सब लोग यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है तो एक व्यक्ति जो रहता है इनके परिवार का, इनकी फैमिली का, वो बच जाता है। वो रहता है इनकी एक बहू रहती है, इनकी एक डॉटर इन लॉ रहती है, वो बच जाती रहती है। बिकॉज उस टाइम वो कहाँ रहती है? वो अपने पेरेंटल होम में गई रहती है, मतलब की अपने मायके गई रहती है। तो फिर वीर सिंह देव बुंदेला जो रहते हैं वो उसको यहाँ पे बुलवाते हैं, उसके लिए ये पूरा घर वर बनवा के, मतलब पूरा उनका इंतजाम करवाते हैं, बिकॉज यही उनकी फैमिली में एक बची रहती है। वही सब
सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इट इज सेड दैट महाराजा हैड डीप रिग्रेट व्हेन रेमंड दौआ कमिटेड सुसाइड अलोंग विद हिज फैमिली। ओनली वन डॉटर इन लॉ ऑफ दाऊजी सर्वाइव्ड हु वाज अवे इन हर पेरेंटल होम, बिकॉज वो अपने मायके गई हुई थी इसलिए वो बच गई। ठीक है, द महाराजा हैड द प्रेग्नेंट डॉटर इन लॉ ऑफ दाऊजी ब्रॉट टू द ओरछा एंड बिल्ट द कोठी फॉर हर। ये उस समय प्रेग्नेंट थी, जो अपने मायके गई हुई थी उनकी बहू, वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। तो राजा क्या करते हैं, वीर सिंह देव जी उनको बुलवाते हैं और उनके लिए इस कोठी का कंस्ट्रक्शन करवा के यहाँ पे पूरा रहने के लिए उनका आप बोल सकते हो कि इंतजाम करते हैं। ठीक है, अब जो श्याम दौआ थे जो 1637 AD में मारे गए थे, ठीक है, किसके साथ, जुझार सिंह के साथ, है ना, जुझार सिंह के जो सन थे उदयभान उनके साथ जो वो मारे गए थे, ठीक है, वही ये रेमंड दौआ जिन्होंने ये सुसाइड कर लिया था उनका उनके क्या थे, ग्रैंडसन थे। अब आप समझ लीजिए कि ये कोठी जो है ये किसके लिए बनाई गई है, ये श्याम दौआ की मदर के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब आ गया समझ में, रेमंड दौआ थे उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया, उसके बाद उनकी एक डॉटर इन लॉ बची, डॉटर इन लॉ के लिए कोठी बनी जो, और फिर उस समय वो क्या थी, वो प्रेग्नेंट थी, उनका जो बेबी होगा वो श्याम दौआ होगा। ठीक है, और जो श्याम दौआ होंगे वो कब, उनकी डेथ कब हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी 1637 में, किसके साथ, जो उदय भान जो रहते हैं, जुझार सिंह के जो बेटे रहते हैं उनके साथ क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, बिकॉज इनका कुछ झगड़ा हो जाता है, बैटल हो जाता है किससे, मुगल एम्परर शाहजहां से। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कि उस समय जब इनका अटैक हुआ था तो श्याम दौआ जो थे और उदय भान जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और फिर मुगल आर्मी जो थी इनको प्रिजनर बना के ले गई थी और मार दिया था बाद में। और श्याम दौआ की जो वाइफ थी उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने सती कर लिया था खुद को। ठीक है, और ऐसा बोला भी जाता है कि आज भी इस हवेली में क्या है, कुछ डिसेंडेंट्स इनकी फैमिली के रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, श्याम दौआ की कोठी। अब इसके बाद आता है कोठी ऑफ रसलदार। रसलदार का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेबल, जहाँ पे हॉर्सेस बांधे जाते हैं उनका रख रखाव किया जाता है, उसे अस्तबल कहा जाता है। तो वही अस्तबल जो है उसके जो हेड होते थे उनको रसलदार कहा जाता था, है ना। तो उनके लिए जो कोठी बनवाई गई थी उसको कोठी ऑफ रसलदार बोला जाता था। और ये कब बनवाई गई है ये भी आप समझ सकते हैं कि 17th century AD के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। इसके बाद आता है ऊंटखाना ओरछा। ये जो पहले था ये ओरिजिनली एक बारादरी था। कब बनाया गया था, ये 16th सेंचुरी के टाइम पर बनाया गया था, लेकिन बाद में 17th सेंचुरी के टाइम पर यहाँ पे एक हायर एक कॉरिडोर टाइप का और बना दिया गया है इसके आगे, जहाँ पे 5 आर्क गेट्स थे और हर साइड में आप समझ लीजिए कि 5 आर्क गेट्स थे। और यहाँ पे क्या करने लगा, ऊंट को रखा जाने लगा, कैमल्स को बांधा जाने लगा कॉरिडोर में, इसीलिए फिर इसका नाम क्या हो गया, ऊंट खाना हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है वनवासी राम टेम्पल। वनवासी राम टेम्पल जो है ये किसने बनवाया था, ये भी महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। ठीक है, ये ईस्ट फेसिंग टेम्पल है और इसमें आपको गर्भगृह और अंतराल जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, एक देव कक्षाना है। देव कक्षाना मतलब, देव कक्षाना मतलब वैसा ही आप समझ लो कि सेंटम सेंटोरम टाइप का। ठीक है, जहाँ पे क्या है, वहां पे एक मूर्ति रखी गई है वनवासी राम की। अब ये जो मूर्ति थी वनवासी राम की, इसको क्या कर दिया गया है, इसको ट्रांसफर कर दिया गया है कहाँ, राम राजा टेम्पल में, इसी नाम से। ठीक है, वनवासी राम की जो मूर्ति थी उसको कहाँ पे डाल दिया गया है, राम राजा टेम्पल में डाल दिया गया है। इसके बाद नाम आता है एक शीश महल का। शीश महल जो थे महाराजा उद्वत सिंह जो रहे हैं यहाँ के ओरछा के रूलर 1706 AD के टाइम पर, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ था। ठीक है, अब इसको शीश महल क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कलरफुल ग्लासेस देखने को मिल जाएंगे और कलरफुल टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। ये सब का यूज जो है इसमें किया गया है, है ना, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, शीश महल बोला जाता है। और आज की डेट में अगर बोला जाए तो एक MP स्टेट टूरिज्म का आप समझ लीजिए कि होटल है यहाँ पे, वो इस पैलेस में, मतलब इस पैलेस को आप समझ लीजिए कि MPP के एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। किसको, शीश महल को। इसके बाद आता है फोर्ट बलदेवगढ़। फोर्ट बलदेवगढ़ जो है ये क्या था, ये जो ओरछा के रूलर हुए हैं एक विक्रमजीत सिंह, उन्होंने इसको बनवाया गया था। और किस लिए बनवाया गया था, आर्मरी और अम्यूनिशन जो रहता है उसको स्टोर करने के लिए इन्होंने बनवाया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेंपल भी है जो बलदाऊ जी के नाम, बलदाऊ जी को डेडिकेटेड है।
ठीक है, ये कहाँ पर है, ये सबल सागर के ऊपर हिल टॉप में आप देखेंगे कि वहां पर आपको ये मिल जाएगा, है ना। और ये जो है ये 18th सेंचुरी का फोर्ट है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी आपको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि दीवान खाना, रानी महल, रानी घाट, अल्हा मंडल, हमाम ऑफ राही, रानी महल, लार्ज आर्क गेट्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दो तोपे भी रखी हुई हैं जिनका नाम है गर्भगिरावन और भवानी शंकर। ये जो है ये उस टाइम की बहुत ही फेमस कैनन्स थी, जो आज भी यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं डिस्प्ले में। और ये क्या बताते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फोर्ट है बुंदेला का, ऐसा कहा जाता था उस टाइम पे। बलदेवगढ़ जो था वो एक इम्पोर्टेंट फोर्ट हुआ करता था बुंदेलास का, ठीक है। फोर्ट बलदेवगढ़, बलदेवगढ़ वॉज कॉल्ड बांदा ड्यूरिंग दी चंदेल पीरियड, मतलब बुंदेल से भी पहले जब चंदेल रूल किया करते थे तब इसको बांदा का एरिया कहा जाता था, ठीक है। ओरछा रूलर विक्रमजीत सिंह बिल्ट दिस फोर्ट टू हाउस दी आर्मरी एंड स्टोर आम्यूनिशन। ही बिल्ट अ टेम्पल डेडिकेटेड टू बलदाव जी ऑन द हिल टॉप ऑफ सबल सागर एंड नेम द फोर्ट एज बलदेवगढ़। बिल्ट इन 18th सेंचुरी AD, द इनॉर्मस फोर्ट कंसिस्ट ऑफ दीवान खाना, रानी महल, रानी घाट, अलहमंडा, हम्मान ऑफ रानी महल एंड लार्ज आर्क गेटवेज। द गर्भ गिरावन एंड भवानी शंकर कैनन्स ऑफ द फोर्ट आर वेरी फेमस, विच आर स्टिल केप्ट इन द फोर्ट। इट इज एन इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ बुंदेलास। अब हमने अभी तक जितना भी बुंदेला का आर्किटेक्चर था, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ बुंदेला रूलर्स का, वो हमने पूरा की पूरा देख लिया। इसके बाद भी बुंदेला डायनेस्टी जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी, लेकिन अब हम उसको ऐसे नहीं देखेंगे कि वो पूरे बुंदेलखंड पे रूल कर रही है, ऐसे नहीं देखेंगे हम उसको। हम उसको किस तरीके से देखेंगे कि अब ये छोटी हो गई है, ये क्या हो गई है, ये सिमट गई है, और अब ये छोटी हो गई है, और हम इसको कैसे देखेंगे, ओरछा स्टेट की तरह देखेंगे। ठीक है, तो है वही बुंदेला डायनेस्टी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उनका जो रूल है वो ओरछा तक सीमित हो गया है, वो अब उतने बड़े लेवल पर रूल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम अब उसको क्या देखेंगे, हम ओरछा स्टेट को देखेंगे। और यहीं से अब आप समझ लीजिए कि आपकी जो 15 प्रिंसिपैलिटीज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। पहले हम ओरछा स्टेट कर लेंगे कंप्लीट, और फिर उसके बाद, या फिर आप एक चीज बताइए, आपको इसके साथ ही इनके जस्ट बाद आप समझ लीजिए कि बुंदेलास जो है वो तो ओरछा में सिमट के रह गए हैं, अब वो ओरछा में ही वो कहाँ तक, इंडिपेंडेंस तक पहुंच जाएंगे। तो ये ओरछा स्टेट वही वाली चीज है। इसके साइमल्टेनियसली आपको मैंने एक और बताया था कि एक चंपत राय होंगे और उनके जो बेटे होंगे राजा छत्रसाल, तो वो वाली चीज हम पहले कर लें क्या, जिससे कि ये वाला जो टाइम पीरियड है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, छत्रसाल जो है वो डिवाइड कर दें अपनी टेरिटरी को वहां तक, और फिर उसके बाद फिर हम रियासत को, मतलब स्टेट बाय स्टेट ले लें, ओरछा, पन्ना, दतिया, ऐसे करके। बताइए किसमें कंफर्टेबल हैं आप लोग। आवाज आ रही है? हाँ मैम। आवाज, हाँ, कैसे कंटिन्यू करना है आपको। अब जैसे ओरछा स्टेट उठाया है अगर, तो ओरछा स्टेट को पूरा इंडिपेंडेंस तक ले जाएं, या फिर पहले आपको बीच में जो मतलब चीजें हुई हैं, जो छत्रसाल वाली चीज हुई, उन्होंने अपनी टेरिटरी को डिवाइड कर दिया, और उसके बाद बुंदेला रिबेलियन हुआ, वो सब कुछ देखते हुए चलना है। मैम आपको जैसा ठीक लगे, मतलब चलिए ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, ये हमने अभी क्या पढ़ा, हमने बुंदेला डायनेस्टी पढ़ी और उनके फर्स्ट लाइन ऑफ रूलर्स जो थे हमने वो भी पढ़ लिया, है ना। इसके बाद हम पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, हम देख लेते हैं जो जुझार सिंह के डेथ के बाद जस्ट जो चीजें हुई थी, हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ, और कैसे राइज ऑफ छत्रसाल हुआ, राइज ऑफ चंपत राय हुआ, और फिर उसके बाद हम लौट कर वापिस से ओरछा स्टेट पर आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, पन्ना स्टेट को फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको मतलब पूरा रिवोल्ट वगैरह वो पूरा बताऊंगी, रिबेलियन वगैरह बताऊंगी, लेकिन आप लोग फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमने क्या देखा था, हम बुंदेला रूलर्स को देख रहे थे, है ना, और हमने
ये भी जाना था कि एक टाइम पर क्या होता है कि जुझार सिंह का मर्डर कर दिया जाता है, हमने जब लास्ट रूलर जो देखे थे जुझार सिंह, उनका क्या कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। तो अब उनके मर्डर से थोड़ी स्टोरी आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। होता क्या है, जब जुझार सिंह का मर्डर हो जाता है तो वो ये चीज क्या रहती है, जो बुंदेलास जो रहते हैं उस टाइम के, जो बाकी बुंदेला क्षत्रियन जो रहते हैं और बुंदेला जो कम्युनिटी रहती है, वो इस चीज से बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, बहुत एनॉयड हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपना जो स्ट्रगल है मुगल्स के अगेंस्ट में, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसी समय क्या रहता है, चंपत राय रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि चंपत राय कौन थे, आप लोगों को शायद याद हो कि मलखान सिंह थे। मलखान सिंह कौन थे, राजा रुद्र प्रताप सिंह के फादर थे, ठीक है। इनके बाद आए रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह के बहुत सारे बेटे थे, उनका ही एक बेटा कौन था, राव उदयजीत। और इस राव उदयजीत की फोर्थ जनरेशन में जो हुए वो थे कौन, चंपत राय। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हो कि मलखान सिंह थे, मलखान सिंह के बाद आप देखते हो कि फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ ओरछा, जिन्होंने ओरछा स्टेट फाउंड भी किया था, वो कौन थे, वो राजा रुद्र प्रताप सिंह थे। रुद्र प्रताप सिंह के कई बेटे थे, जिसमें भारती चंद रूलर हुए, मधुकर शाह रूलर हुए, उसमें से एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था राव उदयजीत, ये रूलर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी फैमिली तो चलती रहेगी ना। तो इन्हीं की फैमिली का, राव उदयजीत की जो फोर्थ जनरेशन रहती है, उसमें जो होते हैं, जो इनके जो सक्सेसर आते हैं, वो होते हैं चंपत राय। चंपत राय जो रहते हैं, जब राजा जुझार सिंह की जब डेथ हो जाती है, उनकी मर्डर हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या, ये मतलब लीडरशिप में आ जाते हैं, आप ये समझ लो एक तरीके से, उस समय की लीडरशिप में ये आ जाते हैं। और ये जब जुझार सिंह की डेथ हो जाती है, तो बुंदेलास जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, और वो क्या बोलते हैं कि हम अपना जो स्ट्रगल है, अपनी जो रिबेलियन है मुगल्स के अगेंस्ट में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये उसमें किसकी कमांडरशिप में कंटिन्यू करेंगे, जो राजा चंपत राय हैं, हम उनकी कमांडरशिप में कंटिन्यू करेंगे। बाद में क्या होता है कि चंपत राय कुछ टाइम के लिए औरंगजेब की आर्मी जो है वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये क्या करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद, ये थोड़े दिन बाद क्या करते हैं, मुगल आर्मी जो है उसको लीव कर देते हैं, उस मुगल कैंप को छोड़कर वापिस अपने स्टेट में आ जाते हैं। अब इनसे इनसे जो रहते हैं क्या, औरंगजेब जो रहते हैं इनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, किससे, चंपत राय से। तो ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं किसको, एक होते हैं देवी सिंह बुंदेला को। इनका शासन कहाँ पे रहता है, चंदेरी प्रिंसिपैलिटी में रहता है, जब हम चंदेरी स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पे इनका नाम आएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि चंदेरी के जो रहते हैं देवी सिंह बुंदेला, उनको बोलते हैं कि आओ आप ओरछा के भी राजा बन जाओ, ठीक है। लेकिन ये आ तो जाते हैं, लेकिन ये बहुत समय तक वहां रह नहीं पाते हैं, क्योंकि बुंदेला जो बाकी नोबल्स रहते हैं और जो लोकल पीपल रहते हैं, वो इनके अपोजिशन में रहते हैं, किसके, देवी सिंह बुंदेला के। अब आप ये जरूर समझिएगा कि चलेगी लगभग लगभग सब जगह बुंदेला के ही वंशज चलेंगे, जितने भी प्रिंसिपैलिटीज हैं वहां पे सब जगह बुंदेलास की ही जनरेशंस चलती जाएंगी। बिकॉज अपने ही, मतलब आप ये समझ लीजिए कि किनशिप में किसी को कोई सी डायनेस्टी मिल जाएगी, किसी को कोई सी डायनेस्टी मिल जाएगी, जैसे कि राम शाह को हटाया, ठीक है, और इनको वीर सिंह देव बुंदेला को ओरछा की गद्दी पे बिठाया। तो अब ओरछा की गद्दी पर जो लीनियज आपको चलती दिखाई देगी वो किसकी दिखेगी, वीर सिंह देव बुंदेला की दिखाई देगी। लेकिन बाकी फिर रामशाह को क्या बोल दिया जाता है कि आप चंदेरी चले जाओ, तो चंदेरी में फिर रामशाह रहते हैं, रामशाह के बाद उनके ग्रैंडसन रहते हैं भरत शाह, उनकी लीनियज फिर आपको चंदेरी में दिखाई देनी पड़ेगी। मोर और लेस रहेंगे सबके सब बुंदेला ही, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे कि देवी सिंह बुंदेला जो हैं कि वो फिर क्या करेंगे, वापस चंदेरी लौट जाएंगे। क्या हुआ, औरंगजेब ने बोला देवी सिंह बुंदेला जो कि चंदेरी के शासक हैं, चंदेरी के रूलर हैं, उनको बोला कि आप आ जाओ, आप ओरछा में रूल करो। वो आ भी जाते हैं, लेकिन जो वहां पे जब वो अपोजिशन देखते हैं कि बुंदेला नोबल्स जो है वहां के ऑलरेडी वो, और जो लोकल पीपल हैं, जो प्रजा है वो भी क्या कर रही है, उनके विरोध में है, तो वो क्या करते हैं, वो वापस अपनी जगह चंदेरी को लौट जाते हैं और ओरछा को छोड़ देते हैं, ठीक है। चंपत राय जो है इनकी क्या हो जाती है, थोड़े टाइम बाद डेथ हो जाती है। होता क्या है कि ये जो मुगल आर्मी जो रहती है, ये पूरे चारों तरफ से उससे घिर जाते हैं, ठीक है। और फिर इनको लगता है कि मैं अकेला शायद इतनी, मतलब इनको टफ फाइट नहीं दे पाऊंगा, तो वो क्या कर लेते हैं, वो
सुसाइड कर लेते हैं 1661 के टाइम पर, वो सुसाइड कर लेते हैं चंपत राय, ठीक है, शहीद हो जाते हैं। अब उस समय चंपत राय के ही बेटे हैं कौन, छत्रसाल, राजा जो बनेंगे बाद में पन्ना के, पन्ना अपनी कैपिटल बना लेंगे वो। तो वो जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो केवल 12 इयर्स के रहते हैं, मतलब कि क्या है, वो माइनर है, राजा छत्रसाल जो है माइनर है, लेकिन ये आगे चल के बहुत ज्यादा ही ब्रेव बनते हैं, ठीक है, राजा छत्रसाल जो रहते हैं। अब चंपत राय की डेथ जो है इससे क्या होता है, बहुत ही सीरियस ब्लो लग जाता है ओरछा किंगडम की इम्पोर्टेंस को, बिकॉज एक वही थे उनके, राजा जुझार सिंह के मरने के बाद जो कि सही तरीके से कमांडरशिप कर सकते थे, वो राजा नहीं थे यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ लीड कर रहे थे उस रिबेलियन को। तो इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि बहुत ही सीरियस ब्लो लग जाएगा ओरछा किंगडम को, ठीक है। अब बाद में क्या होगा कि जो चंपत राय हैं इनके जो बेटे रहेंगे छत्रसाल, ये क्या बनेंगे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट बुंदेला लीडर बन जाएंगे थोड़े टाइम बाद जब वो बड़े होंगे, बिकॉज अभी तो क्या है, वो अभी तो माइनर हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे कि वो ओरछा से कहाँ चले जाएंगे, पन्ना में चले जाएंगे, और वहां पे एक अपना अलग, आप बोल सकते हो कि डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लेंगे, या अपना अलग साम्राज्य जो है वो स्थापित कर लेंगे। ये जो थे जो महाराजा छत्रसाल थे, ये क्या थे, ये एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, ब्रेव वॉरियर भी थे, और साथ में ही इन्होंने रिवोल्ट भी मतलब लेड किया था मुगल्स के अगेंस्ट 1671 के टाइम पर, और इन्होंने नौगांव जो है आज का प्रेजेंट डे में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी इन्होंने उस टाइम पर कैप्चर कर लिया था। अब अगर मॉडर्न स्टेट ऑफ पन्ना बोला जाए कि आज का जो पन्ना हम देखते हैं उसकी फाउंडेशन किसने ले करी है, तो वो 1731 के आसपास वो महाराजा छत्रसाल ने उसको अपनी कैपिटल बनाकर वहां की फाउंडेशन जो थी वो ले करी थी, ठीक है। और जब ये चीजें हो रही है, मतलब जब राजा छत्रसाल है यहाँ पे, उस समय जो सभी, मतलब आप बोल सकते हो कि रियासतें हैं, उनमें पन्ना जो थी वो आप उसकी जो पोजीशन है उसको आप काफी स्ट्रांग जो है वो मान सकते हो। मगर होता क्या है कि 1731 के टाइम पे राजा छत्रसाल की हो जाती है डेथ, और इनका जो किंगडम है वो कई लोगों के बीच में बट जाता है ना। 1/3 एरिया जो रहता है महोबा बांदा और झांसी वाला, वो किसको चला जाता है, मराठा पेशवा बाजीराव वन को चला जाता है। हम देखेंगे कि किस तरीके से अभी मराठा पेशवा बाजीराव ने इनकी हेल्प करी थी, जिस वजह से ये क्या करेंगे कि उनको अपना अडॉप्टेड सन मान लेंगे, और ये 1/3 जो है वो उसको उनको दे देंगे अपनी टेरिटरी का पोर्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पन्ना वाला जो पोर्शन था, पन्ना और उसके आसपास के जो एरियाज रहते हैं वो किसको चले जाएंगे, वो हरदे शाह जो रहते हैं करके उनके राजा, उनके जो बेटे रहते हैं इसमें, मतलब पन्ना रहता है, मऊ का एरिया रहता है, आप समझ लीजिए इसमें आप देखेंगे कि पन्ना और प्लस एडजॉइनिंग एरियाज, एडजॉइनिंग एरियाज में उस समय का मऊ रहता है, कलिंजर रहता है, कढ़ा कोटा रहता है, शागढ़ रहता है, ये सब जो एरियाज रहते हैं वो किसके पास चले जाते हैं, वो इनके जो सन रहता है हरदे शाह उनके पास चले जाते हैं। ऐसे ही इनके जो दूसरे सन रहते हैं जगत राय, जिनका नाम रहता है जगत राम भी बोला जाता है इनको, उनके पास क्या चला जाता है, जयपुर स्टेट चला जाता है, और उसके साथ ही जयपुर स्टेट और एडजॉइनिंग एरिया जिसमें कि अजयगढ़ रहता है, जरखारी रहता है, बिजावर रहता है, सरोला, बूरागढ़, ये सब एरियाज जो रहते हैं वो इनके पास चले जाते हैं। और पेशवा बाजीराव के पास कौन सा, महोबा बांदा झांसी सागर के आसपास का एरिया, और ये सब जो रहता है गुना तरफ का एरिया, ये सब क्या रहता है, ये मराठा के पास चला जाता है। अब इन्हीं स्टेट्स से आप देखिए, जयपुर से और पन्ना से, इन सब से क्या मिलेंगे, डिसेंडेंट्स जो रहेंगे वो छोटे छोटे स्टेट्स अपने बना लेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि नाम आएगा अजयगढ़ का, चरखारी का, छतरपुर का, इन सब का जो नाम आएगा, मैंने आपको क्योंकि बताया था शुरुआत में ही कि 15 प्रिंसिपैलिटीज हमको देखने को मिलेंगी, ये सब नाम जो है ये इन्हीं में से, इन तीन, अब देखिए राजा छत्रसाल ने तो तीन जगह पर डिवाइड कर दिया, अब तीन में से भी एक पार्ट जो है वो मराठास के पास चला गया, मराठास से भी क्या होगा कि वो लोग एंग्लो मराठा वॉर्स में क्या करेंगे, वो टेरिटरी जो है वो हार जाएंगे और वो ब्रिटिश के पास चली जाएगी, ठीक है। अब बचा कौन सा, ये दो वाला जो एक हृदय शाह के पास गया है, हृदय शाह के पास, और दूसरा जगत राय के पास, इन दोनों की टेरिटरीज से और भी कई सारी प्रिंसिपैलिटीज जो है वो निकल कर आ जाएंगी। अब होता क्या है, 19th सेंचुरी के टाइम पर पन्ना जो है वो एक प्रिंसली स्टेट बन जाएगा, किसका, ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे किस किन चीजों को, किन टेरिटरीज को मिला दिया जाएगा, एक सुहावल और नागौर की जो टेरिटरीज रहती हैं उनको इसमें मिला दिया जाएगा। आप देखेंगे कि जब 1857 का रिवोल्ट होता है, उस समय जो पन्ना के जो राजा रहते हैं उनका नाम रहता है निरपत सिंह, और जो निरपत सिंह रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स की तरफ रहते हैं जब 1857 का रिवोल्ट होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया था पहले भी
कि जब रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जगह जगह पर फेलिसिटेशन सेरेमनीज रखी हुई थी कि जिन जिन जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी उनके एलाइज हैं, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया इस रिवोल्ट के टाइम पे, तो उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। तो वैसा ही कुछ रिवॉर्ड इनको भी मिलेगा। आप देखेंगे कि इनको क्या दिया जाता है, इनको टाइटल ऑफ महाराजा दे दिया जाता है, और यहाँ से फिर आगे के जितने भी लोग आपको देखने को मिलेंगे वो राजा नहीं, वो महाराजा कहलाएंगे। अब हम देख लेते हैं राजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल जो हैं, ये आप समझ गए कि ये हैं तो बुंदेला डिसेंडेंट ही, ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह के ही डिसेंडेंट हैं ये। कौन? महाराजा छत्रसाल जो हैं। इनका जन्म कब हुआ था? ये 4 मई 1649 के टाइम पर इनका बर्थ हुआ था। और ये इतने ब्रेव थे कि इनको क्या बोला जाता था, इनको शिवाजी ऑफ बुंदेलखंड भी बोला जाता है। किसको? महाराजा छत्रसाल को। अब ये तो आपको पता है कि इनके जो फादर थे वो चंपत राय थे, वो एक शेफ्टियन थे, कहाँ पे? ओरछा में, ठीक है। अब उनकी हो जाएगी डेथ और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोमिनेंस में आ जाएंगे। क्या होता है कि ये जो करते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं मुगल एम्पायर को, है ना, और ये क्या करना चाहते हैं, ये अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना चाहते हैं, और ये बनाते भी हैं। कहाँ पे? बुंदेलखंड में, है ना, ये बनाते हैं ये। और छत्रसाल जो है ये सक्सीड करते हैं किसको? इनके जो फादर रहते हैं चंपत राय, उनको ये सक्सीड करते हैं। उस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशंस रहती हैं, ठीक है, उसको ये समझते हैं, वो ये जानते हैं कि मुझको एक अच्छी आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इस चीज की इम्पोर्टेंस समझते हुए ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मैं मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करूंगा। इनके जो रहते हैं एक मामा रहते हैं, ठीक है, जिनका नाम रहता है राजा जयसिंह। राजा जयसिंह जो रहते हैं वो करते रहते हैं, वो मुगल्स के यहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं उस टाइम पे। मुगल्स के यहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं इनके मामा। कौन? राजा जयसिंह। तो ये क्या करते हैं, ये अपने मामा के पास चले जाते हैं और कहीं पे जितना भी मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह रहता है उसको ये मतलब रिसीव करने लगते हैं, वो ये पाने लगते हैं। और साथ में 1665 के टाइम पर क्या होता है कि मिलिट्री कैंपेन जो इनके मामा ही लीड कर रहे होते हैं अगेंस्ट शिवाजी मुगल्स के ऑर्डर पे, वो उसमें भी इनके साथ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जाते तो हैं ये, है ना, और वहां पे अच्छे से मतलब जो मिलिट्री की जो भी चीजें रहती हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये जो रहते हैं ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हैं किससे, शिवाजी से, उनके स्ट्रगल से ये बहुत इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, ये मुगल आर्मी मुगल कैंप जो है उसको छोड़ के आ जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, मराठा रूलर से मिलते हैं। किससे? शिवाजी से। तो शिवाजी इनको एडवाइस देते हैं कि आप अपनी लीडरशिप में क्या करिए, बुंदेलखंड में मुगल्स के अगेंस्ट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपना बनाइए, ठीक है। और फिर ये लौट कर आते हैं कहाँ, बुंदेलखंड, और फिर अपना स्ट्रगल जो है अगेंस्ट मुगल्स वो ये स्टार्ट करते हैं। ये अपना जो रहता है इंडिपेंडेंस जो रहता है उसको क्लेम करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं अगेंस्ट मुगल, है ना, और इसको बनाए भी रखते हैं काफी टाइम तक, ये बनाए रखते हैं। कब तक? कब इनकी स्थिति थोड़ी सी खराब होती है, इनकी स्थिति खराब होती है 1728-29 के टाइम पे। तब होता क्या है कि इनके ऊपर अटैक होता है, और वो अटैक कौन करवाता है, वो मोहम्मद बंगश खान बंगश रहता है, वो जो रहता है वो मतलब अटैक इनके ऊपर करवाता है। होता क्या है उस टाइम पर, मुगल एम्परर जो रहता है मोहम्मद शाह रंगीला, उनका पीरियड रहता है, ये जो पीरियड चल रहा है 1728-29 का, तो उस समय क्या रहता है, मोहम्मद शाह रंगीला रहते हैं। और उस समय जो प्रयाग रहता है या इलाहाबाद रहने बोलने, तो उसके जो सूबेदार रहते हैं वो कौन रहते हैं, वो रहते हैं मोहम्मद खान बंगश। ये क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं। किस पे अटैक कर देते हैं? महाराजा छत्रसाल की जो टेरिटरी रहती है उसमें पूरा अट्रैक कर देते हैं। अब ये जो टाइम है, इस समय आप देखिए इनकी बर्थ टाइम क्या थी, 1649, ठीक है, और ये कब हो रहा है, 1729 के टाइम पर,
ठीक है, तो इस समय इनकी जो एज रहती है ये काफी एज के हो चुके रहते हैं। कौन? महाराजा छत्रसाल जो रहते हैं ये काफी एज के रह चुके हो चुके रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस समय जो पेशवा बाजीराव रहते हैं उनसे ये क्या बोलते हैं, उनसे ये बोलते हैं हेल्प, उनसे ये सहायता मांगते हैं, उनकी हेल्प मांगते हैं। जिस चीज के लिए क्या रहता है, पेशवा बाजीराव जो रहते हैं वो तैयार भी हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो इनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं और अटैक करते हैं। किस पे? मोहम्मद बंगश की जो आर्मी रहती है उस पर अटैक करते हैं। और वो इतनी ज्यादा मतलब, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया रहता है, इनका किंगडम सेव किया रहता है महाराजा छत्रसाल का, तो वो क्या करेंगे, वो इनको अपना क्या मान लेंगे, इनको अपना एडॉप्टेड सन मान लेंगे। ठीक है, किसको? महाराजा, ये जो पेशवा बाजीराव है इनको छत्रसाल अपना एडॉप्टेड सन मान लेंगे और साथ में ही जब अपनी टेरिटरी का डिवीजन करेंगे तो इक्वल डिवीजन कर देंगे अपने टू सन्स के बीच में प्लस जो पेशवा है उनके बीच में। ठीक है, अब छत्रसाल देखिए, ये स्टोरी मैंने आपको पूरी बता दी कि ही डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल्स इन मुगल्स एंड वॉज एबल टू रेजिस्ट द मुगल्स अंटिल ही वॉज अटैक्ड बाय मोहम्मद खान बंगश इन दिसंबर 1728-29। ठीक है, अब क्या होता है, छत्रसाल आस्क बाजीराव वन पेशवा को, वो बोलते हैं कि पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर फॉर हेल्प, कि आप हमारी सहायता के लिए आइए, हमारे ऊपर ये लोग आक्रमण करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। पेशवा बाजीराव जो है वो खुद आते हैं अपनी पर्सनल आर्मी को, मतलब पर्सनली लीड करते हुए अपनी आर्मी को लेकर आते हैं कहाँ पे, बुंदेलखंड में, और क्या करते हैं, जो मुगल आउटपोस्ट रहती है वहां पे अटैक करते हैं। ठीक है, जितनी भी मुगल आउटपोस्ट रहती हैं उनको अटैक करते हैं और साथ में ही मुगल सप्लाईज जो रहती हैं वो भी कम्प्लीटली कट कर दी जाती हैं। ठीक है, पेशवा जो है उसको भी कट कर देते हैं और वहां पे क्या होता है, बैटल ऑफ मालवा होता है इस एरिया में, उसको होता बुंदेलखंड में है लेकिन बोला बैटल ऑफ मालवा जाता है। ठीक है, वो चीज यहाँ पर होती है। और बंगश जो है, बंगश जो रहते हैं, अब इस समय इनके जो ये मुगल एम्परर रहते हैं मोहम्मद शाह, ये इनको बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, बहुत सारी करस्पोंडेंसेस करते हैं कि आप मेरी हेल्प करिए और साथ में और सारी आर्मी या मिलिट्री जो है वो मेरे हेल्प के लिए आप भेजिए, बिकॉज यहाँ पे मराठास का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। बिकॉज ये जो मराठा इन्वॉल्वमेंट रहता है बंगश के लिए, ये क्या रहता है, ये अनएक्सपेक्टेड रहता है इनके लिए, ये अनएक्सपेक्टेड रहता है। मराठास का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है यहाँ पे इस चीज में, क्योंकि इनको तो यही लग रहा होता है कि महाराजा छत्रसाल तो बूढ़े हैं, वो कितना ही डिफेंड कर पाएंगे, हम लोग इजिली बुंदेलखंड के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब एकदम से मराठास इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो इनके लिए थोड़ा शॉकिंग भी रहता है और अनएक्सपेक्टेड भी रहता है। अब ये उस तैयारी से नहीं आए हुए रहते हैं कि ये मराठास की आर्मी को फेस कर चुके हैं, कर सकें, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये कई सारे लेटर्स लिखते हैं, बहुत सारी करेस्पॉन्डेंसेस करते हैं अपने एम्परर को, उनको मतलब संदेशा भी कहलवाते हैं कि आप प्लीज और मिलिट्री भेजिए और सोल्जर्स भेजिए, यहाँ पे हम लोगों के लिए उनकी जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि ये जो है ये अपने आप में ही मगन रहते हैं और ये इनकी मतलब जो भी लेटर्स या करेस्पॉन्डेंसेस रहते हैं उन पे बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं करते हैं। तो अब बंगश को क्या रहता है, बंगश के सामने क्या बचता है रास्ता, यही कि वो रिट्रीट कर जाए, है ना। तो वो अब वो क्योंकि वो तो पूरी तरीके से घिर चुके हैं, तो बंगश जो रहते हैं उसको एक ही कंडीशन पर रिट्रीट करने की मतलब आप बोल सकते हैं कि परमिशन मिलती है कि अब वो आगे कभी भी मतलब या यहाँ बुंदेलखंड लौट कर नहीं आएगा, ना ही बुंदेलखंड के प्रति किसी भी प्रकार का कोई एग्रेशन दिखाएगा फ्यूचर में। ठीक है, इस प्रॉमिस के साथ जो बंगश रहता है उसको रिट्रीट करने दिया जाता है, है ना। अब इस चीज से क्या होगा कि पेशवा बाजीराव जो है उनकी जो स्टेटस है छत्रसाल की मतलब ओपिनियन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो छत्रसाल जो रहते हैं वो रिवॉर्ड करते हैं पेशवा विद लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड डायमंड माइंस इन बुंदेलखंड विच हेल्प द मराठास टू गेन एक्सेस इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया। यहीं से क्या होगा, मराठास का नॉर्थ इंडियन में थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इंटरवेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो महाराजा जो छत्रसाल थे, ये इन्हों ये क्या थे, ये बहुत बड़े पैटर्न थे आर्ट एंड लिटरेचर के भी। ठीक है, तो इनके टाइम पे एक हुआ करते थे पोएट भूषण, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। पोएट भूषण जो थे ये रीति पीरियड के पोएट थे और इन्होंने कई सारी मतलब
ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो कि क्या करती थी, उत्साह बढ़ाती थी और बहुत ज्यादा मतलब वाइगर और वेलर जो है वो हिंदू किंग्स में वो भरती थी उस टाइम पे। बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था कि मुगल एम्परर थे वहां पे और ये सब जो थे ये सब हिंदू स्टेट्स थे, तो इनको उनके अगेंस्ट में लड़ने के लिए ये अलग तरीके से मोटिवेट करते थे। ठीक है, ही वॉज पैट्रनाइज इन द कोर्ट ऑफ किंग छत्रसाल ऑफ बुंदेलखंड। जो छत्रसाल जो थे बुंदेलखंड के जो किंग थे उनके दरबार में इनको पैट्रनाइज किया गया था। ठीक है, और ये जो किंग ऑफ चित्रकूट थे एक रुद्र राज करके उनका नाम था, इन्होंने ही इनको भूषण का टाइटल दिया था। भूषण मतलब आप ऑर्नामेंट समझ सकते हो कि इनको इस टाइप का टाइटल इन्होंने दिया था। किसने? चित्रकूट के जो रुद्रराज किंग थे उन्होंने। ठीक है, और ये फर्स्ट नेशनल पोएट की तरह देखे जाते हैं। मिडिवल पीरियड पोएट्स जितने भी हैं उनमें ये फर्स्ट नेशनल पोएट की तरह जो है देखे जाते हैं। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं जिसमें कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इन्होंने अपने ही किंग के ऊपर लिखा हुआ है, और भूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये सब भी इन्हीं के मतलब रचनाएं बोल सकती हूँ, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई बुक्स हैं। और ये पोएट भूषण के अलावा और भी जो कवि होते थे और भी जो पोएट्स होते थे उनको भी राजा छत्रसाल जो थे वो पेट्रोनेज दिया करते थे, जिसमें की एक नाम आता है लाल कवि का। लाल कवि का भी नाम आता है और बख्शी हंसराज का भी नाम आता है। ये लोग भी क्या थे, इन्होंने भी, इनको भी पैट्रोनेज मिली हुई थी कहाँ पे, जो राजा छत्रसाल थे उनके कोर्ट में पैट्रोनेज मिली हुई थी। ठीक है, लिगेसी अगर हम देखें महाराजा छत्रसाल की, तो उनको आप देखेंगे कि इनका एक छतरी बनी हुई है महाराजा छत्रसाल की दुबेला में ही। ठीक है, और छतरपुर जो है वो भी छत्रसाल के नाम पर ही रखा गया है इसका नाम। एक महाराजा छत्रसाल म्यूजियम है और महाराजा छत्रसाल स्टेशन है, ये भी क्या है इनके नाम पर ही रखा गया है। और एक छत्रसाल स्टेडियम भी है दिल्ली में, वो भी महाराजा छत्रसाल के नाम के ऊपर ही रखा गया है। अब इसमें हम इनके कुछ कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो महाराजा छत्रसाल के टाइम के आसपास के कंस्ट्रक्शंस हैं, हम वो देख लेते हैं। उसमें एक आता है टॉम्ब ऑफ बेरछा रानी महेबा। टॉम्ब ऑफ बेरछा रानी जो है ये क्या था कि महाराजा छत्रसाल की एक वाइफ थी, उनको मतलब बोला जाता था बेरछा रानी, तो उनका जो टॉम्ब है उसी को ये बोला जाता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कब किया गया था, 17th सेंचुरी के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, और इसको पॉपुलरली बेरछा रानी का मकबरा भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बुंदेली आर्ट एंड स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा हर तरीके से। ठीक है, और वॉल पेंटिंग्स वगैरह भी आपको कियोस्क पे और उन सब का डेकोरेशन जो है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो टू डोम्स हैं है ना, वहाँ पे आपको कृष्ण लीला का जो डेपिक्शन है वो देखने को मिल जाएगा, और एक्सटीरियर जो है वो लोटस पेटल टाइप की जो डेकोरेशन रहती है वो आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? टॉम्ब ऑफ बेरछा रानी महेबा में। इसके बाद ये एक महेबा गेट है, वो भी महेबा में ही है। ये किसने बनवाया था? ये भी महाराजा छत्रसाल ने ही बनवाया था ताकि वो महेबा विलेज में इंटर कर सकें। ठीक है, तो ये जो गेट है ये भी महाराजा छत्रसाल ने ही बनाया है, और महू सहानिया से आते हुए महेबा में इंटर करने के लिए ये गेट बनाया गया है। महू सहानिया भी एक विलेज का नाम है और महेबा भी एक विलेज का ही नाम है। यहाँ पे क्या है, इस गेट में दोनों तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं जो कि मतलब किसी भी तरीके के एनिमी अटैक को चेक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, और ये भी एक फाइन एग्जांपल है किसका, बुंदेली आर्किटेक्चर का। इसके बाद आप देखेंगे टॉम्ब ऑफ छत्रसाल। टॉम्ब ऑफ छत्रसाल जो है ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ये 17th सेंचुरी एडी के टाइम पर बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका जो गेट है वो आर्क शेप में है और डेकोरेटेड है। ये किस किस चीज पे से बना हुआ है, इसका जो बिल्डिंग मटेरियल है वो स्टोन ब्रिक्स और लाइम का यूज करके ये बना हुआ है, और इसका जो अपर पोर्शन है स्टोन के अंदर जब आप जाएंगे, जो अब आप ऊपर देखेंगे, इसका जो अपर पोर्शन है वो किससे डेकोरेटेड है, वो ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स जो है उनसे इसका डेकोरेशन किया हुआ है। इसके साथ ही एक जो ये है टोम्ब जो है, इसके अंदर ही आप देखेंगे कि एक समाधि है वहां पर, मतलब प्रदक्षिणा पथ भी है, ये सब चीजें भी वहां पे बनाई गई हैं इसके अंदर में। ठीक है, और शिखर जो है इसका डोम शेप्ड है ना, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दुबेला का फाइनेस्ट आप बोल सकते हो कि मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे जैसे वहां पे ओरछा कॉम्प्लेक्स चलता था, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स चलता था, ऐसे यहाँ पे दुबेला मऊ सहानिया महेबा कॉम्प्लेक्स चलता है। तो अगर आप इन सब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है ये इसमें से सबसे ज्यादा फाइन मॉन्यूमेंट मानी जाती है।
कौन सी, जो ये टोम्ब ऑफ छत्रसाल है। इसके बाद आता है कमलापति टोम्ब महू सहानिया, ठीक है। महू सहानिया क्या है, ये भी विलेज का ही नाम है, वहीं पास में ही। जो ये कमलापति थी ये भी क्या थी, एक महारानी थी, किसकी, महाराजा छत्रसाल की, बिकॉज इनकी कई रानियां थी, इनकी कई क्वींस थी, तो ये जो महारानी कमलापति थी ये भी इनकी ही रानी थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनके लिए ये टॉम्ब बनवाया क्या था 17th सेंचुरी के टाइम पर। ये भी क्या है, फाइन एग्जांपल है ऑफ बुंदेली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके जो डोम्स हैं उनका भी डेकोरेशन पेंटिंग से किया हुआ है, और जो एंट्रेंस डोर है उसका डेकोरेशन फ्लावर मोटिफ से किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लावर मोटिफ आप देखेंगे उनको आप देखेंगे, और ताजमहल के जो फ्लावर मोटिव हैं उनको आप देखेंगे, तो उनमें आपको बहुत सी रिसेम्बलेंस देखने को मिलेगी, मतलब ये उनके जैसे ही दिखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के मोटिव और यहाँ के मोटिव जो हैं, इट इज पॉसिबल दैट दी लेटर माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड दी आर्टिजंस वर्किंग हियर, मतलब कि ताजमहल के जो मोटिव्स हैं उनको देखकर ही यहाँ के मोटिव्स जो हैं वो बनाए गए रहे होंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है दुबेला पैलेस, दुबेला ये सब कैपिटल में है। दुबेला पैलेस जो है ये भी 17th-18th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है। ये किसने बनवाया था, ये महाराजा छत्रसाल ने ही बनवाया था। इसमें बिल्डिंग मटेरियल क्या क्या यूज हुआ है, इसमें थिन ब्रिक्स, सैंड और लाइन जो है वो यूज हुआ है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, और वॉल पर जो है वो लाइन प्लास्टर किया गया है। अभी आज की डेट में यहाँ पे म्यूजियम है, ठीक है। दुबेला पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद नाम आता है फोर्ट देवारा का। फोर्ट देवारा जो है ये भी छतरपुर से 52 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये टू स्टोरीड है, और यहाँ पे भी आपको बुंदेला आर्किटेक्चरल स्टाइल का ये स्पेसिमेन आप इसको बोल सकते हो। और इसका कंस्ट्रक्शन कब करवाया गया था, 18th सेंचुरी के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया गया था। अब हम पन्ना स्टेट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम ओरछा स्टेट स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या? यस मैम। कितनी देर का? मैम आज सर की क्लास नहीं होगी क्या? मैम 6:30 से होगी मैम। सर की क्लास का तो मुझे नॉलेज नहीं है, मेरी क्लास जरूर 7:00 तक होनी है। मैम हाँ बोलिए। मैम ग्रुप पे सर ने मैसेज डाला है 6:30 बजे से सर की क्लास है। डाला है सर ने? यस मैम अभी डाला है। अच्छा तो फिर हम पन्ना स्टेट आज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आधे में छोड़ेंगे तो कल फिर पन्ना स्टेट पूरा रिवाइज करवाना पड़ेगा, और ओरछा भी इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अपना। आप लोग रुकिए ना, 5 मिनट्स आप लोग ब्रेक लीजिए, ठीक है।
आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ सर की क्लास है आपकी 6:30 से, और अभी हमको नया स्टेट स्टार्ट करना था, बिकॉज हमको सेकंड लाइन ऑफ रूलर्स पढ़ने थे, फिर हम उसको एट अ स्ट्रेच ही पढ़ते। तो फिर अब अभी तक का जो आपका जितना पोर्शन था पूरा की पूरा, मतलब बुंदेलखंड का और फिर वो बुंदेला डायनेस्टी के बाद आपका राजा छत्रसाल वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम जो 15 प्रिंसिपैलिटीज वाली चीज है वो, और जो हमारा बुंदेलिया बुंदेला रिबेलियन से जो स्टार्टिंग होगी तो उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? पहले हम कल बुंदेला रिबेलियन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम 15 प्रिंसिपैलिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। आ गया समझ में आप लोगों को? ओके ओके, यहाँ पे हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ओके okay?